ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं ना लायक पढ़ना चुपचाप। ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं ना लायक पढ़ना चुपचाप। ये ऑनलाइन कह रहा है सर आप जो बोल रहे हो मेरी तो कोई है ही नहीं ना लायक पढ़ना चुपचाप। तो कैमेरा थोड़ा सा वरत कर ते टेबल टेबल गेला पाहिजे तेवढा थोड़ा सा वरत कर थोड़ा सा तो टेबल नहीं दिसला पाहिजे हाँ थोड़ा सा अजून किंचित ठीक हे रोज आठवण ठेव रोज आठवण ठेवशील एवढं आणि वेल तो दोस्तों शुरू करे। अरे सभी जल्दी सेटल हो जाओ जल्दी 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 सेटल हो जाओ। यस तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डीपीक्यू डन। सो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो बढ़िया हो। तो चलिए आज का सेशन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? तो एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने है। तो चलो इस बार क्या क्या नालायक हो। यस ओके सो चलिए यस बेटा मैं बता दूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाना शुरू करें क्योंकि कल का लास्ट डेमो लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे। उसके बाद यूट्यूब पे नहीं रहेगा ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आपने डीपी क्यू सॉल्व किया है? छोटा सा था सिंपल सा यस और नो? चलो
राजेशला विचार ते झेरॉक्स काढले का म्हणा ते झेरॉक्स ते याचं प्रॅक्टिस क्वेश्चन. हां तो चलिए एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ. अगर घर पे नहीं पढ़ा होगा तो अभी रिवाइज तो कर लो, नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होगा. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या कहता है इसके ऊपर आते हैं. सेक्शन 91 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 51 ऑफ क्या आईजीएसटी एक्ट. ओके तो ये सेक्शन जो है यहां पे थ्री पार्ट में डिवाइड होता है. ओके कौन से थ्री पार्ट में डिवाइड होता है? लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स. पर्सन लायबल टू पे टैक्स. तो चलो जहां तक हम लेवी की बात करें, अगर हम लेवी की बात करें तो दोस्तों यहां पे लेवी चार्ज वैल्यू और क्या बेटा रेट. चार्ज वैल्यू एंड रेट. तो चार्ज बताओ किसके ऊपर है? इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एक्सेप्शन बेटा साइलेंट, प्लीज कीप साइलेंस. ओके अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड ईएनए. आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा मैंने? अनडीनेचर्ड ईएनए या रेक्टिफाइड स्पिरिट. और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी अभी फिलहाल तो नहीं है. और इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम के थ्रू इंपोर्टेड गुड्स, मैंने सर्विस नहीं कहा. ओके इंपोर्टेड गुड्स पे ओके जो जीएसटी लगाया जाएगा वो कस्टम्स के थ्रू लगाया जाएगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे आती है. आई रिपीट द वर्ड, कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे आती है, इसलिए एसीडी फॉर्म में लगाया जाएगा. वैल्यू सेक्शन 15 से फिक्स होगी, चार्ट सामने रखो. रेट जो होगा मैक्स रेट 20-20-40 है. कलेक्शन इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब. और पर्सन लायबल टू पे टैक्स, कौन पर्सन होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके चलिए यहां पे फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था. और चैप्टर 3 कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. प्लीज कीप योर बैग्स बिलो. कंफर्टेबल जगह है, अच्छी जगह है, पर मैं सबको यही कहूंगा कि अपनी बैग्स नीचे रखें, ठीक है? तो यहां पे कंजेस्टेड मैट बैठो. यहां सामने भी जगह है, पीछे भी बैग्स अगर नीचे रख दी तो कंफर्टेबल जगह हो जाएगी, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. इसमें हमने कल पर्सन की डेफिनेशन देखा, ये कीप इन प्रायोरिटी भी सिर्फ रीड कर लेना. इससे बस एक ही लाइन आपने कंक्लूड करना कि किसी भी कैटेगरी के आप पर्सन हो गए पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा. फिर वो पर इंडिविजुअल हो या वो एचयूएफ हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, गवर्नमेंट हो, वॉट एवर इट मे बी, या लास्ट में तो कहते हैं एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और या एडजस्टमेंट होती है, और वो है डीम डिस्टिंग पर्सन. ओके डीम डिस्टिंग पर्सन में चलो मेरे साथ एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो. मुझे बताओ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है क्या हर स्टेट में यानी स्टेट वाइज मैंडेटरी है? हाँ स्टेट वाइज मैंडेटरी है. मतलब जो भी स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा मैंने? प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, तो वो स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. ओके लेकिन अगर उस स्टेट से आप एक्सक्लूसिव एग्जम सप्लाई कर रहे हो, मतलब समझ लो मेरा पेट्रोल या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, ओके मेरा पेट्रोल पंप है और वो गुजरात में है और वहां पेट्रोल पंप के अलावा मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? मेरा बिजनेस प्लेस है, कहां पे है बिजनेस प्लेस? गुजरात में. पर ओके आई एम डूइंग दैट सप्लाई विच इज नॉट टैक्सेबल. अरे यस और नो? तो गवर्नमेंट सेज ओके देन नो नीड टू रजिस्टर दैट पेट्रोल पंप, बिकॉज रजिस्ट्रेशन करके करोगे भी क्या आप? ओके कोई जीएसटी तो आपको देना नहीं है. ओके तो ओके स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. आई रिपीट स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, बट नो नीड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन वेर यू मेक एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम सप्लाई. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ इन अ सेम स्टेट, कम ऑन, इन अ सेम स्टेट इफ यू हैव मल्टीपल प्रीमाइसेस देन इन दैट सिचुएशन एट यूअर ऑप्शन, आई रिपीट द वर्ड, क्या? एट यूअर ऑप्शन यू कैन टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. बट ओके इफ यू आर टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन देन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 विल कम्स इन पिक्चर एंड इट सेज ओके फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट या मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या? विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड एज क्या? डीम डिस्टिंग पर्सन, वो डीडीपी बोला जाएगा. फिर हमने इसको एनालाइज किया. ओके यहाँ पे
तो एनालाइज करते वक्त अब देखो आप डेवलप हो गए, मतलब कुछ चीजें हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है मैं बताऊंगा। अब ये डायग्राम आपके लिए कोई काम की नहीं क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट हो गया, क्या स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। अरे हाया ना, ओके। और ज्यादा चीजें लिख के कंफ्यूज हो मत, बहुत प्रिसाइज रहो फाइनल लेवल पे, ओके। इंटर लेवल फाइनल लेवल पे इतना प्रिसाइज रहो कि लिखना क्या है और अल्टीमेट आपका गोल है, आपका क्वेश्चन है हाउ टू प्रेजेंट इन क्या एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल। समझ में आया क्या? और वो प्रेजेंट क्वेश्चनर पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, डीपीक्यू में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर करो। बाकी सारी चीजें समझने के लिए इंपॉर्टेंट, बस यस और नो। तो मेरे दो चीजें, चार्ट फॉर बेटर रिटेंशन एंड क्वेश्चनर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, बस ये दो वर्ड ध्यान रखो। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये अब ये कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं बची, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। और ये जो है डीम डिस्टिंग पर्सन, ओके, यहां पे ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतना डेवलप हो जाएगा कि ये डायग्राम की भी जरूरत नहीं रहेगी, हमें आगे बढ़ना है, ओके। हमें ये चीजें उसके बेस पर एग्जाम में क्या लिखना है ये ज्यादा एम्फोसाइज करना है, रैदर देन हाँ समझ गया कितना अच्छा, ओके डायग्राम था, एक फैक्ट्री थी, एक वेयर हाउस था, एक डेपो था, ये फैक्ट्री थोड़ी निकालने के लिए आपको एग्जाम में। अरे समझा नहीं समझा, हाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक देखा जाए, अगर आपका फैक्ट्री है, वेयरहाउस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, डेपो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और सारे अलग अलग स्टेट्स में है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, मैंडेटरी है और वो DDP कहलाए जाएगा। तो वो सिचुएशन में अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है गुड्स का या सर्विस का फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच अंडर सेम एंटिटी अंडर सेम पैन, इन दैट सिचुएशन ओके क्या करना है आपको, वो इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यानी देखो तीन इंपैक्ट है, रजिस्ट्रेशन, DDP एंड सप्लाई, ये कोई ब्रेक डांस नहीं चल रहा है। अरे है ना, रजिस्ट्रेशन, DDP एंड सप्लाई, हाँ। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो अगर आप देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, सेपरेट रजिस्ट्रेशन को क्या माना गया, DDP माना गया, और DDP हो गया तो फिर क्या हो गया, सप्लाई हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये सप्लाई बोला जाएगा, रिमूवल, रिमूवल मतलब क्योंकि एक बेसिक फंडा रखो, रिमूवल मतलब जब भी कोई गुड्स निकलता है तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, पानी के ओके कवरिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो वो जो कवरिंग डॉक्यूमेंट रहता है, अगर GST लगा रहे हो, मेरी ये स्टेटमेंट सुनना, अगर अगर GST लगा रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट होता है टैक्स इनवॉइस, वो ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, टैक्स इनवॉइस। और GST नहीं लगा रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट होता है चालान। चलो मेरे साथ एक बार लर्न करो, अगर आप कोई भी GST लगा रहे हो तो क्या, कौन सा इनवॉइस, टैक्स, क्योंकि नाम ही है टैक्स इनवॉइस, ऐसा इनवॉइस जिसमें टैक्स लगने वाला है। अरे है ना, और GST नहीं लगा रहे हो तो वो केस में क्या होता है, चालान, जब क्योंकि गुड्स का कवरिंग डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। प्लस आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे, कौन सा, ईवे बिल। आई रिपीट द वर्ड, क्या, ईवे बिल, डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। तो चलिए, आपको IGST लगेगा इंटरस्टेट सप्लाई में, सेम प्रोविजन हमने यहां पर देखी। उसके बाद में क्या, हम अगर आपके सेम स्टेट में मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट है तो आप सेपरेट, योर सारी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, आई रिपीट, सारी क्या, प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसका ले सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, एट योर ऑप्शन, कि ओके दो तीन प्लेसेस एक ही रजिस्ट्रेशन में, जिसमें आपको REG01, क्या था ये REG01, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, भूल गए क्या, फॉर्म्स नहीं भूले ना, ओके। GSTR1 क्या था, GSTR1 क्या था, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। GSTR3B क्या था, आपका GST रिटर्न, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा है, REG01, यस और नो, ओके। तो यहां पे REG01 जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, ओके। तो ऐसे केस में अगर आपको दो तीन ब्रांचेस एक ही रजिस्ट्रेशन में लेनी है तो आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसमें डाल दो, तो दो तीन मिलके एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा, ओके। और एकादा कोई आपको सेपरेट करना है तो इसका सेपरेट REG फाइल करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, इसका सेपरेट REG01, ओके। आप GST.gov.in पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, और कि इसका स्टेट तो महाराष्ट्र रहेगा, सिटी अलग रहेगी, और इसका सेपरेट REG01 आपको फाइल करना पड़ेगा, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा।
पर भाई साहब क्या है यहाँ पे कि अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया कि वो फिर डिस्टिंक्ट बन जाता है, और डिस्टिंक्ट बन जाता है तो कंप्लायंसेस चेंज हो जाते हैं, अरे है ना, साथ साथ में आपका ओके स्टॉक ट्रांसफर या सर्विस ट्रांसफर होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपको क्या लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, जीएसटी लग जाता है। पर ऐसा नहीं कि भाई ये फायदेमंद नहीं है, फायदेमंद है सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना जब आपके नेचर ऑफ बिजनेस बदल जाते हैं, आई रिपीट, क्या नेचर ऑफ एक्टिविटी बदल जाती है तो ये फायदेमंद रहता है। ओके क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जीएसटी में प्रॉपर स्टॉक में टेकिंग, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर सारी चीजें होती है, ठीक है। सेम थिंग मैंने ये कहा सर्विसेज को अप्लीकेबल है, यानी ये मत इंटरप्रेट करना कि सिर्फ ओके गुड्स को अप्लीकेबल है, अगर सर्विस भी प्रोवाइड होती फ्रॉम वन ब्रांच टू क्या अनादर ब्रांच तो इन दैट सिचुएशन जो है यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा अगर डीडीपी होगा तो। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मुझे लेना है अभी, और मैं सबकी का ध्यान जाऊँगा, आप सभी ध्यान दो। ओके हमने डीडीपी जो देखा था यहाँ पे, डीम डिस्टिंग पर्सन, स्क्रिबल करते हो आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा, पर स्क्रिबल नोट्स एक बार मेरे साथ किया, खत्म किया, आपने आपको अटेंटिव रखा, बाद में देखने का नहीं, आपको मोर एम्फोसाइज किसके ऊपर करने का है, क्वेश्चन है, समझ में आया क्या, एंड प्रेजेंट, जितना ज्यादा क्वेश्चन 300+ क्वेश्चन मैंने क्वेश्चनेयर में लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे बुक में अराउंड 150+ क्वेश्चन है, अगर ऐसे इतने क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लो, लिख के देख लो, तो भाई भगवान भी आ जाए तो भी आपको फेल नहीं कर सकता, अरे आया ना, पर आपका रेडीनेस होना जरूरी है, अगर सही डायरेक्शन मिले तो आप इतिहास रच दोगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे तो डीम डिस्टिंग पर्सन यहाँ पे जिसमें दो चीजें यहाँ 25-4 एंड 25-5 25-4 में क्या था कि आपकी दो सेपरेट रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है, आई रिपीट, क्या दो सेपरेट रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है, तो इसको क्या बोला गया, डीडीपी, इनको क्या बोला गया, डीडीपी। अभी वो क्या कवर करना चाहते हैं ये देखो, वेर अ पर्सन हु ऑप्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, इन अ स्टेट का मतलब, हाँ, अगर उसने कोई एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है और यूटी स्टेट और यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, उसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट है और एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया, लेट्स टेक एग्जाम्पल महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ये फैक्ट्री का, ठीक है, और दूसरा कहते हैं देन सच एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनादर स्टेट और यूटी, ओके अनादर स्टेट और यूटी, तो ऐसे सिचुएशन में देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंग पर्सन। अब मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूं और उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं सो दैट ओके आपको और क्लियरली समझ में आए। समझ लो वी स्मार्ट का ओके सारा, जस्ट अ मिनट, हाँ अब देखो यहां पे क्लासरूम भी यहां पे है पुणे में, और क्लासरूम में अभी आप क्लास कर रहे हो, और हमारा पोर्टल सारा बुकिंग पुणे से होता है, जो भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं सारा कुछ एक्टिविटी जो सप्लाई है और जो हमारा बिजनेस है पुणे से होता है, ये समझ में आया क्या ना, जो पोर्टल का हेड ऑफिस बताया है वो पुणे ही बताया हुआ है, अरे यस और नो, नाउ vsmartacademy.com। तो अब हुआ क्या कि हमने जो है यहाँ पे दिल्ली में एक जस्ट ऑफिस बना के रखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट है जहां से कोई सेल नहीं होता है, लेकिन कोई हाँ दो तीन स्टाफ है वहां पे समझ लो ओके, और स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बुक्स नहीं मिली है या फिर ओके बैचेस के बारे में इंक्वायरी करना है या वॉट एवर, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हो गए ओके वो वहां से हैंडल होते हैं, पर वहां से कोई भी सेल नहीं होता, वहां से कोई भी सप्लाई नहीं होता, वहां उस पर कोई पैसा कलेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो भी वहां पे आएगा उनको सबको पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा, और पोर्टल का रजिस्टर्ड एड्रेस कहां पे, ये समझ में आया क्या, पुणे में है
ओके, बस वहां पे अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हैंडल करने के लिए हमने ओके ऑफिसर्स बना के रखे हैं, पर यहां पे कोई भी सेल नहीं है, कोई भी कैश कलेक्शन नहीं है। अरे है ना, तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओ। हाँ, मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली में, ध्यान से सुनना, मेरा एस्टेब्लिशमेंट है कहां पे, दिल्ली में, जो जस्ट ऑफिस है, पर वहां से कोई भी सप्लाई नहीं है। तो मुझे बताओ क्या इसका मुझे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि स्टेट बदल गया, स्टेट बदल गया तो क्या मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? माइक प्लीज, कौन कौन मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा, क्या लॉजिक है? यस, उधर माइक दे। हाँ बिल्कुल सही। ओके, एक बार माइक में बोलो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी सुन लेंगे। एक ओके, उसका कंटेंशन आया कि ये तो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना सर, क्योंकि ये तो ऑफिस है हमारा। अरे यस और नो, अगर ये ऑफिस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, करवाना yes. पड़ेगा। अच्छा, कौन है कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, इससे कौन लड़ना चाहता है? नहीं करवाना पड़ेगा, माइक दो। इससे कौन लड़ना चाहता है? सर माना की प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट हमें फुकट का कंप्लायंस करना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन करना पड़े तो, मतलब खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बाहर आ रहा है। इस पे तुम्हारा जवाब दो। ओके, ये कहा कि माना, माना की प्यार हो गया पर कंप्लायंस ज्यादा है। अरे है ना। ओके, तो अब वो कह रहा है कि सर एक बात के लिए मान ले, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक बात के लिए मान ले, क्या मान ले कि यहां पे जो है ओके ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन करवाओगे मुझे ये। अब उसका सवाल आपके लिए आ गया, और आपके लिए सवाल आ गया कि भाई तुम यहां से, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो तुमको GSTR 1 देना पड़ेगा सर। रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, वो कुछ कहना चाहता है। ओके, GSTR 1 देना पड़ेगा, उसके बाद में क्या देना पड़ेगा, GSTR 3 भी देना पड़ेगा। GSTR 1 में सारे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अरे आया ना, 3B में नेट टैक्स कैलकुलेशन देना पड़ेगा। ओके, तो फिर उसका जवाब दो, चलो फटाफट। रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब कंप्लायंस करना नहीं होता है ना? नहीं, ये GST में मैं बता देता हूं तुमको कि रजिस्ट्रेशन करवा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे GSTR 1 और 3B मैंडेटरी है सर, भले ही सेल्स या ना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो तो भी ये देना। हाँ, कंपल्सरी है, वो मैं बता दूंगा आपको, आगे प्रोविजन में आएगा कि वंस यू रजिस्टर्ड, आई रिपीट, वंस यू रजिस्टर्ड, GSTR 1 और 3B मैंडेटरी है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके भी व्यू शेयर करो बेटा, आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लॉ में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है ना कि आप सेल कर रहे हो तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? अगर आपकी लिखा है, आगे सेक्शन 22 में लिखा है, आगे सेक्शन 22 में लिखा है कि अगर आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, आई रिपीट, मैंने क्या कहा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा। अब थ्रेशोल्ड पे डिस्कशन अभी मत करना, बाद में लेंगे, क्योंकि वो एक अलग ही डिस्कशन है। अभी ऐसे समझ लो कि अगर आप सप्लाई करते हो, आई रिपीट, आप अगर सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सर फिर मैं यही तो कह रहा हूं, जब सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब ही ये हुआ कि बिल्कुल सही। अब मैं आता हूं कंक्लूजन पे, मतलब ही होगा कि ये जो आपकी प्लेस है ऑफिस, नो डाउट जनरल लॉजिक से ये बिजनेस प्लेस है। आई रिपीट द वर्ड, सभी ने ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे ना तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, GST आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, और ऑफिस में 80% काम GST का है। समझ में आया क्या? 80% काम, कोई भी ऑफिस ज्वाइन करोगे तो GST का है। ओके, आप रियली अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आप यहां बस कभी कभी तो ऐसा समझना कि मैं एग्जाम के लिए नहीं बैठा हूं, मैं GST समझने के लिए बैठा हूं। समझ में आया क्या? तो यहां पे जहां तक बात करें हम, ओके, तो हमें जो है ओके ये ऑफिस, तो क्या हुआ, GST में जब प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन बनाई गई, GST के लिए स्पेशल बनाई गई, तेरा जनरल सेंस नहीं, कॉमन सेंस नहीं, कॉमन सेंस से ये ऑफिस बिल्कुल प्लेस ऑफ बिजनेस है। आई रिपीट, कॉमन सेंस से ये ऑफिस बिल्कुल प्लेस ऑफ बिजनेस है, नो डाउट फॉर दैट। लेकिन कभी कभी एक्ट अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाता है।
अब गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में भी देखोगे, गुड्स की डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखोगे, गुड्स की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखोगे और गुड्स की डेफिनेशन डिफरेंट लॉज में भी देखोगे। अरे है ना, क्योंकि अपने एक्ट के हिसाब से वो डेफिनेशन बनाता है। और मैं, व्हाट्स योर नेम? सुधांशु। सुधांशु, सुधांशु, तो ये मैं आपको बता दूं बेटा कि जीएसटी ने अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि जहां से आप बिजनेस करते हो, आई रिपीट, जहां से आप क्या बिजनेस करते हो, बिजनेस करते हो मतलब क्या, आप सप्लाई करते हो, या बिजनेस मतलब आप सप्लाई कर रहे हो। अरे आया ना, तो बिजनेस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ओके, वो प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, या आपका वेयरहाउस प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, क्या कहा मैंने, वेयरहाउस, ओके, प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, या फिर आपका डेपो भी प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा क्योंकि वहां से सेल। तो इसमें अगर आप कोई प्लेस से, कम ऑन, मैंने क्या कहा, कोई प्लेस से आप बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस मतलब क्या, सप्लाई नहीं कर रहे, यहां बिजनेस का मतलब क्या, सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेके कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्या दोगे जीएसटीआर वन में, क्या दोगे थ्री बी में, वहां से कोई कलेक्शन ही नहीं है भाई साहब, वहां से कोई सेल ही नहीं है, ये समझ में आया क्या? तो ओके, इवन दो वो आपका जनरल सेंस में प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, पर वो जीएसटी का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसका अगर आपका सप्लाई ही नहीं है वहां पे, तो रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि करोगे क्या, लेके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अब अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आपकी, अब देखो, अब 25(5) क्या कहता है, थोड़ा सा अंडू हार्डशिप लगेगा, पर 25(5) क्या कहता है कि अगर आपकी एक रजिस्टर्ड प्लेस है, क्या कहा मैंने, और अनादर स्टेट में, ये वर्ड मेरे साथ फिर से सभी का ध्यान लाने के लिए बोलो मेरे साथ, और क्या, अनादर स्टेट में जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने क्या कहा, जस्ट क्या, एस्टेब्लिशमेंट है, पर वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी बात समझ में आया क्या, तो इन दोनों को भी डीडीपी माना जाएगा, पर वो अनादर स्टेट में होगी तो, आई रिपीट, क्या वो अनादर स्टेट में होगी तो। चलो वर्डिंग्स पढ़ते हैं, अब वर्डिंग्स क्या कहते हैं, देखो यहां पे, ओके, हाँ ये सही कह रहे हो मैक, ये पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल मैं बताऊंगा आगे। ओके, वेयर पर्सन हु ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ, क्या बेटा, स्टेट और यूटी एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट and has an establishment in क्या बेटा, another state or UT, then such establishment shall be treated as क्या, deemed distinct person, वह establishment भी DDP माना जाएगा, क्योंकि state बदल गया, वो GST में registered नहीं भी होगा तो भी DDP माना जाएगा। Government बहुत strict है, state बदला, अरे आया ना, state बदला कि यहाँ पे DDP, deemed distinct person, फिर वो ओके। तो यहाँ पे इस, अब एक सवाल था सर, आपने एक एग्जांपल लिया था गुजरात में पेट्रोल पंप है, अरे है ना, गुजरात में क्या, पेट्रोल पंप है, अच्छा ये पेट्रोल पंप नॉन टैक्सेबल, यहाँ बिजनेस हो रहा है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, पर ये क्या बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, अरे यस और नो, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा, ओके, तो इसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर ये दोनों भी डीडीपी माने जाएगा, समझ में आया क्या? तो आपका कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है पर अदर स्टेट में है, एक बार फिर सुनना, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है पर कौन से स्टेट में है, अनदर स्टेट में है, तो वो भी डीडीपी माना जाएगा, दैट्स ऑल, डीडीपी माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे, ओके, मुझे ये बताओ 25(4) और 25(5) में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 25(4) एंड 25(5)? 25(4) कहता है रजिस्टर्ड, अरे है ना, 25(4) कहता है दे आर रजिस्टर्ड, सेपरेटली रजिस्टर्ड, आई रिपीट द वर्ड, क्या, सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो वो डीडीपी माने जाएगा। और 25(5) क्या कहता है, इन अ स्टेट रजिस्टर्ड एंड इन अनादर स्टेट, आई रिपीट द वर्ड, क्या कहा मैंने, इन अनादर स्टेट दैट इज जस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो वो भी डीडीपी माना जाएगा, डीम डिस्टिंग माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अगर ये डीडीपी माना जा रहा है और आपकी एक ब्रांच से, पहले तो लिख दो डायग्राम में, ये डीडीपी माना जाएगा,
डीडीपी माना जाएगा। ये रजिस्टर्ड है और ये जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है नॉट रजिस्टर्ड, एस्टेब्लिशमेंट है नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये डी अच्छा तो हमारा यहाँ पे ब्रेक डांस, अगर डीडीपी है तो आगे क्या आएगा, अगर डीडीपी है तो फिर क्या इनमें अगर गुड सर्विस जाता है तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? हाँ वो सप्लाई माना जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये डीडीपी है तो अगर कोई गुड्स या सर्विस एक ब्रांच से, गुड्स या सर्विस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जाती है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जाती है तो ये सप्लाई माना जाएगा। लिखो पहला पॉइंट वही लिखो, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, ट्रीटेड एज सप्लाई, उसके बाद में अच्छा कौन से सेक्शन में सप्लाई माना जाएगा, सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 ऑफ क्या, शेड्यूल 1 सेकंड। अगर ये सप्लाई माना जा रहा है, यहाँ जगह नहीं होगी साइड में भी लिख सकते हो जो भी है, ओके सप्लाई माना जा रहा है तो सेकंड क्या होगा, रिमॉल कैसे होगा, क्या टैक्स इनवॉइस बनेगा यहाँ पे? ओके तो सप्लाई अंडर टैक्स इनवॉइस, सप्लाई अंडर टैक्स इनवॉइस, और कौन सा टैक्स आएगा, आईजीएसटी, आईजीएसटी इज पेबल, आईजीएसटी इज पेबल, डन। अब आपको एक अंड्यू हार्डशिप बताता हूं, इस पर जो आईजीएसटी लग के आएगा, इस पर जो क्या आईजीएसटी, इस बंदे को क्रेडिट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं क्रेडिट मिल सकता, रजिस्टर्ड है, इस बंदा मतलब कोई सेपरेट बंदा तो है नहीं, हमारी ब्रांच है, समझ में आया क्या, और उसको क्रेडिट नहीं मिले। मैंने ये असेसमेंट की है, ओके और सर इसका पर लॉजिक क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, क्योंकि जैसे थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ने दो तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा जो दिल्ली ऑफिस था तो दिल्ली ऑफिस में ओके एक टीवी की रिक्वायरमेंट थी डिस्प्ले के लिए, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टीवीज पड़ी थी, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में, तो पुणे महाराष्ट्र में जो टीवीज पड़ी थी तो मैंने यहाँ से कहाँ भेज दी, दिल्ली ऑफिस, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ से कहाँ भेज दी, दिल्ली ऑफिस। अब दिल्ली ऑफिस भेजते ही मैंने जीएसटी लगाया भाई साहब, इवन तो मेरा दिल्ली ऑफिस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर ये डीडीपी है, और डीडीपी है तो टीवी पे मैंने वैल्यू भी निकाल कर उस पर जीएसटी लगा के भेजा, पर वहाँ मुझे क्रेडिट नहीं मिला। सर अगर ऐसा नहीं किया, सर अगर ऐसा नहीं किया तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? देखो भाई मैं ये कहता हूँ, डिपार्टमेंट को ऐसा तो कभी नहीं पता चल सकता कि वो मेडिटेशन में बैठ गया तुम्हारे शॉप में सामने आके और आके खोली उसको सब पता चल गया, जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा पता नहीं चलता। ये जो मेरे ऑफिसर है इनको कंटिन्यूस स्क्रूटिनी करना पड़ेगा कौन बात कर रहा है, अरे है ना, इनको कंटिन्यूस देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि कौन बात कर रहा है और कौन बात नहीं। वैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे जो है कंटिन्यूस यहाँ पे जिस जिस पे डाउट है, कम ऑन, जिस जिस पे डाउट है, या रिकॉर्ड चेकिंग स्क्रूटिनी या फिर असेसमेंट, और उसमें अगर पता चला तो फ्रॉड करना आप पकड़े जाएंगे, फिर तो पूरी बारात है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ये मैं आपको लॉ बता रहा हूं कि ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सी बार क्लाइंट मेरे को ऐसा बोलता है, नहीं किया तो मत कर, पर बाद में अगर कोई पकड़ा गया तो मेरे पास नहीं आना। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो मैंने जो बताना था एज पर लॉ मैंने तेरे को बता दिया। अब मैं एक केस स्टडी लेता हूं, अच्छी केस स्टडी है, यहाँ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी 2008 की, ये केस स्टडी मेरे पास आई थी, पुणे में हिंजेवाड़ी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बीपीओ टाइप, ओके सॉफ्टवेयर कम बीपीओ था,
और उनका एक ब्रांच बैंगलोर में था. कमॉन, मैंने क्या कहा, उनका एक ब्रांच बैंगलोर में. तो क्या हुआ, यहाँ जो एम्प्लॉयज थे, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं थे उनके पास, तो एम्प्लॉयज थोड़े आइडल थे. ओके, उतना उनके पास काम नहीं था, पर बैंगलोर में उनके पास प्रोजेक्ट थे, उनकी ब्रांच थी और बैंगलोर में उनके पास प्रोजेक्ट थे. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के कुछ 20 एम्प्लॉयज को बैंगलोर भेज दिया. कमॉन, 20 एम्प्लॉयज को बैंगलोर भेज दिया, और बैंगलोर भेज दिया यहाँ 20 एम्प्लॉयज को, और 3 महीने वहाँ काम करवाया. और यहाँ पे ऑफिसर को ड्यूरिंग रिकॉर्ड स्क्रूटिनी या फिर जो भी है इंफॉर्मेशन मिली, ऑफिसर ने इनके अगेंस्ट में एक्शन ले ली. क्योंकि ऑफिसर ने ये कहा कि 20 एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट पुणे का है, मतलब ये रियल पुणे ब्रांच के एम्प्लॉय है, और ये पुणे ब्रांच के एम्प्लॉय जाकर कहां काम किए, बैंगलोर में. मतलब एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सर्विस दी. अरे है ना, मतलब एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सर्विस दी. तो यहां पे 20 एम्प्लॉयज का 3 महीने का कैलकुलेशन किया गया, हर एम्प्लॉय को सैलरी 2 लाख रुपए समझ लो, तो 20 एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी हुई यहाँ पे, अरे हर एम्प्लॉय का 2 लाख, तो 20 एम्प्लॉयज की 40 लाख्स. 40 लाख्स इंटू 3 मंथ्स, 1 करोड़ 20 लाख्स पे जीएसटी का नोटिस भेजा कि आपको ये 1 करोड़. अब जैसे वो जीएसटी लॉ नया नया था, जैसे ही 1 करोड़ 20 लाख्स का जीएसटी का नोटिस आ गया, कौन से ब्रांच को, पुणे ब्रांच को. ओके, वो मेरे पास आ गए, अरे सर ये कोई जीएसटी लगता है क्या, अरे हमारा ही एम्प्लॉई और हमारी ही ब्रांच में जा रहा है, तो यह जीएसटी लगाना सही है क्या. मैंने कहा सही है. अरे सर बट लिख, अरे मैंने कहा सही है. वो सच में चिल्लाने लगा, ये क्या जीएसटी लेके आया, क्योंकि 2018 की बात है, 17 में क्या आया था जीएसटी, और कि इससे अच्छा था हमारा पुराना लॉ था. अरे आया ना, पर गवर्नमेंट का समझ लो बेटा, गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत क्लोजली ट्रैक रखना है जब स्टेट बदल जाते हैं, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डिड यू अंडरस्टैंड. ओके, तो एक केस से अब आप समझ जाओ कि इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं. ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू एक एग्जांपल. चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कल किया था सॉल्व, 2 आपने डीपीक्यू किया, यस और नो. और मैं आपको ये कह दूं कि ये जो आप ट्राई करो डीपीक्यू वगैरह, लेकिन रियल क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने हैं वो हमारे फ्रॉम क्या क्वेश्चन है. ये तो मैं आपसे प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. डिड यू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड. क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूंगा, कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा जिसका आंसर आपके पास रहेगा, पर आंसर लिखना कैसे इन सिंपल वर्ड्स, ये आपको कंटिन्यूअस सिखाते रहूंगा. ठीक है, तो यहां पे अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ. दीपांशु पेट्रोल पंप का हो गया ना यार, मैंने बोला ना पेट्रोल पंप भी आपका डीडीपी माना जाएगा. मैं डाउट देख रहा हूं ना, और डाउट मैंने आंसर कर दिया है. ओके, चलिए. हल्दीराम इज रनिंग 2 आउटलेट्स विद डिफरेंट बिजनेसेस विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज अंडर हल्दीराम स्वीट्स, हल्दीराम फुटवेयर. अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर ही उनके 2 आउटलेट्स है, एक स्वीट है और एक क्या फुटवेयर है. एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेदर हल्दीराम कैन ऑप्टेन अ सेपरेट रजिस्टर अंडर जीएसटी फॉर ईच आउटलेट. क्यों, क्यों, वो तो दोनों सेम स्टेट में. तो फिर हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए कि इफ ओके आपके एस्टेब्लिशमेंट नहीं ना क्या सेम स्टेट होगा, तो एज पर लॉ ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, बट एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर ही कैन टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन. यहां पे वो ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस है. Whether 2 business verticals are treated as separate person under GST, अगर separate registration लेता है तो वो separate person माने जाएंगे. Whether transfer of goods or provision of service between such business vertical is treated as supply and liable to GST? Yes. तो चलो answer लिखो. Legal provision. पहले लीगल प्रोविजन लिखो यहां पे, फर्स्ट
एज पर सेक्शन 25, जस्ट 25 लिखो, एज पर सेक्शन 25, इफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन हैविंग पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस इन अ स्टेट, देन ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी. देन ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज क्या नेसेसरी. बट एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर ही कैन टेक, एकदम बहुत ही सिंपल एंड लेजिबल मैनर. लॉ एक्सप्लेन करो, मैंने कोई प्रोविजन लीगल जॉर्गन्स यूज नहीं किए हैं. अरे है ना, जो समझा वो अपने वर्ड्स में लिख रहा हूं, ठीक है. तो बट एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर ही कैन टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, आरईजी मतलब क्या रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ईच बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है. ये एक प्रोविजन थी. सेकंड, एज पर सेक्शन 25(4). अच्छा सर, सेक्शन याद नहीं आया तो एज पर जीएसटी प्रोविजन, सर वो भी याद नहीं आया तो डायरेक्ट लिखो, सर वो भी नहीं याद आया तो छोड़ दो, फिर यह ऑप्शन है. ओके, तो एज पर जीएसटी प्रोविजन लिखा तो भी चलेगा. एज पर सेक्शन 25(4), इफ अ पर्सन, सिंपल वर्ड में पर्सन हैविंग हैविंग मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट्स, मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट विच आर सेपरेटली रजिस्टर्ड, इन अ सेम स्टेट, देन दे आर ट्रीटेड एज क्या बेटा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. आप पूरा लिखना, DDP शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. और तीसरी लीगल प्रोविजन हमें लगेगी, एक मिनट, रजिस्ट्रेशन वाला हो गया, DDP वाला हो गया, और कौन सी लीगल प्रोविजन लगेगी, सप्लायर. कोई समझ में आया क्या? ओके, लिखो, एज पर सेक्शन 71C पैरा 2 ऑफ क्या शेड्यूल 1, इफ गुड्स और सर्विसेस आर ट्रांसफर्ड बिटवीन DDP इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देन दे आर ट्रीटेड एज सप्लाई, दे आर ट्रीटेड एज क्या बेटा, सप्लाई, एंड GST इज पेबल.
ये तो मैंने लीगल प्रोविजन लिखी। पहले मैं थोड़ा आपको डिटेलिंग आंसर बताऊंगा, फिर धीरे धीरे शॉर्ट कैसे करना वो भी बताऊंगा, पर आप बहुत अभी इनिशियल लेवल पे हो। अरे आया ना, तो कैसे पूरा डिटेलिंग करना, ओके, कैसे अपने आंसर को सजाना। देखो तो यहां पे पहले मैंने जो जो मुझे लीगल प्रोविजन थी मैंने इवैल्यूएटर को समझा दी कि भाई देखो ये एक लीगल प्रोविजन है, ये एक लीगल प्रोविजन है और ये एक लीगल प्रोविजन है। अब डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड क्या बेटा, कंक्लूजन। पहला क्या पूछा, हल्दीराम कैन ऑब्टेन ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी एज इन टू आउटलेट्स सेपरेट नेचर ऑफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, हेंस हल्दीराम एट हिज ऑप्शन कैन टेक separate registration for each outlet, second अगर separate registration लेता है तो क्या वो DDP बोला जाएगा, यस और नो, यस। इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज टेकन देन दे आर ट्रीटेड एज DDP एंड थर्ड का आंसर भी यस। Transfer of goods or services between them are treated as supply and GST is क्या बेटा, payable, treated as supply and GST is payable। Done, लिख लिया सभी ने, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट P4 क्वेश्चन देखो, XYZ लिमिटेड हैव अ फैक्ट्री इन महाराष्ट्र रजिस्टर्ड अंडर क्या, GST, एन अनरजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, वेदर द टू आर ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर GST, एक्सप्लेन। अरे यस और नो, लिख पाओगे, ये आपके लिए DPQ कौन सा सेक्शन लगेगा, 25(5) लिखोगे, पहले पूरा लिख के देखोगे, लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे, अरे लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे, 25(5) और उसके बेस पे कंक्लूजन, दे आर ट्रीटेड एज डीम डिस्टिंग पर्सन, अरे यस और नो, ओके, तो 25(5) DDP बोला जाएगा, ये आपके लिए DPQ रहेगा। ओके, आंसर में सेक्शन 25 भी चलेगा, क्लॉज लिखने की जरूरत नहीं, और सेक्शन लिखा भी नहीं तो भी चलेगा, एज पर GST प्रोविजन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो सिर्फ।
ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां पे नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा टैक्सेबल पर्सन। ये डेफिनेशन हम क्यों देख रहे हैं, आई रिपीट, ये हम डेफिनेशन क्यों देख रहे हैं बताता हूं आपको। ओके, अगर आपको ये चार्ट याद होगा तो ये चार्ट में, ये चार्जिंग सेक्शन वाला चार्ट याद आ रहा है, अगर जीएसटी लगा, आई रिपीट, अगर करंट लगा तो टैक्स कौन देगा, तो टैक्स देगा बेटा कौन, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। तो ये टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और क्या, लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन क्या 24, अंडर सेक्शन 22 और 24। तो आगे ये सेक्शन आएगा, 22 लिख दो अगर लिखना होगा वहां पे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन आफ्टर थ्रेशोल्ड, रजिस्ट्रेशन आफ्टर थ्रेशोल्ड। अच्छा, नॉर्मल थ्रेशोल्ड अभी क्या चालू है, थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन 20 लाख, कुछ केस में 10 लाख, कुछ केस में 40 लाख, कुछ है समझ में आया क्या, पर अभी जनरल चालू है 20। और सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। चलिए मैं ये दो वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि बताओ इनकम टैक्स में कौन सी ऐसी इनकम है जिसको बेसिक डिडक्शन, बेसिक एग्जम्पशन मिलता ही नहीं है, यानी उसको एक रुपए का भी होगा तो भी टैक्स देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, अरे है ना, हॉर्स रेसेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, अरे है ना, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कि इसको कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं, एक रुपए का भी होगा तभी आपको पैन लेना पड़ेगा, पैन लेना पड़ेगा और उसका जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी में भी ऐसा है, नॉर्मली 20 लाख तक का थ्रेशोल्ड है, आई रिपीट, नॉर्मली क्या 20 लाख तक का थ्रेशोल्ड है, लेकिन कुछ केसेस ऐसी है कि जहां कोई थ्रेशोल्ड नहीं, एक रुपए का भी सेल किया तो भी जीएसटी देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर ये बताओ ना, देखेंगे सेक्शन 22-24 में, ये समझ में, अभी इतना ही समझो। ओके, तो अब वर्ड क्या है, हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर। नाउ अब टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन थोड़ा और एनालाइज करें तो ये थोड़ा एक कंसेप्ट और समझ लो। ओके, नाउ योर नेम वेदांत, तो वेदांत बहुत अच्छा बंदा है। ओके, वेदांत जो, ओके, बहुत अच्छा बंदा है। ओके, तो अरे नालायक को सुनो ना। ओके, तो ऐसे केस में जैसे ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर, कम ऑन, जैसे ही उसका क्या एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, आई रिपीट, कितना 20 लाख, पहला सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, ओके, और वो सेल की टोटल करते गया, सेल की टोटल करते गया और क्या हो गया 20 लाख, ये समझ में आया क्या। तो उसने इमीडिएट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, भाई वेदांत कहता है ओके मैं बिजनेस के लिए यहां बना हूं, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अरे है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, समझ में आया क्या। तो भाई मैं कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ता हूं, वो इतना ऑनेस्ट बंदा है कि जैसे 20 लाख क्रॉस हुआ उसने इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो जिस दिन भी वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा वो टीपी बन जाएगा, टीपी मतलब, और इसके बाद जैसा ही वो टीपी बन गया, कम ऑन, जैसा ही वो, उसको करंट लगना चालू हो जाएगा, करंट लगना चालू हो जाएगा मतलब, इसके बाद जैसे वो इंट्रा करेगा या इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो उसको करंट लगना चालू हो जाएगा और वो बर्डन पास ऑन। डिड यू अंडरस्टैंड, मतलब ये पीरियड में आपको जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसके बाद टीपी बन गया हो आपको देना पड़ेगा। एक पहला केस समझ में आया आपको, ओके, और ये आगे इतना डेवलप हो जाएगा कि डायग्राम की भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, समझ में आया क्या। दूसरा, हाँ पर स्क्रिबल करो तो मजा आएगा, मतलब आप अटेंटिटिव रहोगे, ओके, जितना ज्यादा क्लास, क्योंकि 3.5 घंटे का क्लास, 3.25 घंटे का क्लास चलेगा, थोड़ा ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा ही प्रैक्टिकल है जीएसटी, थोड़ा बहुत तो थ्योरी है, अरे ये सर नो, तो आपका अटेंशन भी, आपका फोकस भी इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरा,
दूसरा योर नेम आयुष, आयुष आयुष सॉरी आयुष अब याद रह जाएगा। तो आयुष जो है ओके, आयुष जो है ये भी बिजनेस कर रहा है, इसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया ओके, 20 लाख क्रॉस हो गया, तभी भी इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। अब किसी ने मेरे को पूछा था सर कोई ओके हाँ आएगा आएगा, मेरा डायलॉग छीन मत, आगे आएगा। तो इसने जीएसटी में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, नालायक। तो अब अगर ऐसे केस में ध्यान से सुनो, अब ये ओके, तो अब ऐसे केस में आयुष जो है ओके, यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस करने के बाद बहुत से लोग कहते हैं बहुत सर हमारे आजू बाजू किराना शॉप है ओके, 50-60 लाख का धंधा करते पर अभी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड, वो तो यहाँ पे ना लायक है ओके। तो अब ऐसे केस में समझ लो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया अभी भी, जबकि अब पर वो लायबल हो गए थे। लायबल होना और नहीं लेना समझ रहा है क्या आपको, कब लायबल हो गए थे? जैसे एग्रीगेट टर्न और क्रॉस हुआ लायबल हो गए थे। तो लॉ बड़ा अच्छा है, लॉ क्या कहता है, अगर यहां पे रजिस्टर्ड हो गए, ऑनेस्ट बंदा है तो आप टीपी बन गए, अच्छा आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया, तभी जिस दिन आप लायबल हुए, कम ऑन आई रिपीट द वर्ड, जिस दिन आप तब से टीपी बन गए, मतलब तब से आपको ओके आयुष करंट लगना चालू हो जाएगा। आई रिपीट करंट लगना चालू, पर सर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं तो मैं जीएसटी दूं कैसे? अरे है ना, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया नहीं तो जीएसटी, भाई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया ये, पर जब भी यहां पे तू आगे टैक्स देगा तो पूरी भारत, जब 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 से करंट लगा तब से टैक्स तो लगेगा ही प्लस इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन ना लेने की पेनाल्टी, ड्यू डेट में ना पे करने की पेनाल्टी। अरे है ना, मतलब बारात में दो दो पेनाल्टीज डांस करेंगे। कौन सी दो पेनाल्टीज डांस करेंगे? विद इन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया वो भी डांस करेगी। अरे है ना, और तू ड्यू डेट में नहीं दे रहा है वो भी डांस कर सब आ जा बेटा तेरे को दिखा दे यहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टूड ओके। तो ऐसे केस में प्लीज प्लीज, तो ऐसे केस में ओके यहाँ पे टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी आएगी, हो सकता है गुड्स सीज हो जाए, हो सकता है यहाँ पे अरेस्ट हो जाए, जब भी डिपार्टमेंट को पता चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे केस में क्यों, क्योंकि भाई साहब तूने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया होगा तो भी तू टीपी बन गया, कब टीपी बन गया, जब तू 20 लाख टीपी बन गया, करंट लगना शुरू हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो यहां पे समझ लो ओके, योर नेम हर्ष, तो अब हर्ष ले लेते हैं यहां ओके। तो हर्ष जो है यहां इसका टर्नओवर 20 लाख जो है चालू है, पर जैसे इसका 5 लाख का टर्नओवर हुआ, आई रिपीट क्या कहा मैंने, हर्ष कहता है मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, अभी भी 20 लाख खत्म नहीं हुआ, 5 लाख है, तो भी हर्ष कहता है नहीं नहीं मुझे मुझे खेलना है ओके, और मुझे खेलना है मतलब मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। मैंने कहा हर्ष क्यों ले रहा है भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, ओके नहीं बस मुझे 5 लाख के बाद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सवाल यह है कि क्या जीएसटी में अगर 20 लाख से नीचे कोई अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहता है, अरे है ना, कोई अपने आप को यानी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, एक वर्ड पिक्चर में आ रहा है क्या, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, तो क्या वो ले सकता है? यस यस ले सकता है, अगर वो चाहे तो ले सकते। इसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? अरे है ना, गवर्नमेंट को तो फायदा ही है ओके, पे टैक्स एंड जे ओके, हर्ष लेना चाहता है ओके ले लो, पर हर्ष ओके
एक बार तूने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो तू बन जाएगा टीपी भी। अरे है ना, और एक बार अगर तू टीपी बन गया तो फिर उसके बाद ही करंट लगना चालू हो जाएगा। मतलब ये इनकम टैक्स का जैसा नहीं है कि 2.5 लाख का मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अरे है ना, यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड आपके रजिस्ट्रेशन पे है। आई रिपीट, यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड आपके रजिस्ट्रेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाइड मैनर में बताता हूँ, अगर किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ये अब आपका 20 लाख, कम ऑन, आपका 20 लाख गया जिस दिन तुमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उस दिन आप क्या बन गए, टीपी। और रजिस्ट्रेशन लिया कि सारे कंप्लायंसेस एक्टिव हुए, सारे कंप्लायंसेस एक्टिव हुए मतलब GSTR 1, GSTR 3 भी, और आपको पूरा टैक्स लगाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ रुक जाओ, अब एक सवाल अलग है, कोई क्यों लेगा जब 20 लाख तक का दिया है तो क्यों लेने का भाई साहब। ओके, क्यों लेने का, बहुत सी बार बेटा क्या है, अब मैं आपको एक सवाल, पहले तो मुझे बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, इतना जितना मैंने समझा इतना समझा क्या, 3 केसेस बताए, कौन से 3 केसेस बताए। पहली, एक बार 20 लाख पे ले लिया रजिस्टर्ड, टीपी बन गया, 20 लाख क्रॉस हुए तो भी नहीं लिया पर टीपी बन गया, टीपी बन गया। और तीसरा, अगर कोई वॉलेंट्री लेना चाहता है बिफोर क्या 20 लाख, तो क्या वो ले सकता है, हाँ ले सकता है। ओके, पर जिस दिन उसने वॉलंटरी ले लिया वो टीपी बन गया, और उसके बाद जो भी इनवॉइस जनरेट करेगा उस पर GST लगाना पड़ेगा, फिर उसको 20 लाख तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके सर, जब आपना पूरा सेल्स का रिकॉर्ड, यार रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ, मैं आपके डाउट्स के लिए टाइम दूंगा। तो अब अगर इसको आगे GST देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, तो अब नेक्स्ट सवाल आएगा कि कोई क्यों लेगा। आपने नहीं सोचा होगा कि एक लाइन में इतना कुछ डिस्कशन छुपा हुआ है। अरे है, और आप मेरे क्लास में बैठे हो तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, वो तो मार्क्स मिलेगा ही आपको, पर प्रैक्टिकली एक एक वर्ड को समझने के लिए बैठे हो, स्पेशली जो बेसिक टॉपिक है, जो लेवी के टॉपिक है। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे, तो अब यहाँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। रीजन है कि समझ लो यहाँ पे हर्ष रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है 20 लाख, और इसके पास वी स्मार्ट जैसा बड़ा कस्टमर गया, ये समझ में आया क्या। तो वी स्मार्ट जो है यहाँ पे, ओके हर्ष से, हर्ष के नीचे स्टेशनरी शॉप है, ओके, और वो स्टेशनरी शॉप से हर्ष जो है 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, और वी स्मार्ट उससे बाय कर रहा है, तो हर्ष से उसको टैक्स इनवॉइस नहीं मिलता है। क्यों टैक्स इनवॉइस नहीं मिलता है, क्योंकि वो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। जबकि कस्टमर जो है, ओके, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वी नीड क्या, टैक्स इनवॉइस, हमें क्रेडिट लेना है। आई रिपीट, वी नीड क्या, टैक्स इनवॉइस, हमें क्रेडिट लेना है। ओके, तो ऐसे केस में अभी जब तक ITC चालू नहीं होता, ITC में और डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इतना ही समझो कि कस्टमर डिमांड करते हैं, जब तुम्हारे बड़े बड़े कस्टमर होते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, जस्ट उसने जो है यहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट किया था, और फैक्ट्री स्टार्ट किया था, भाई फैक्ट्री स्टार्ट करो कुछ भी करो, 20 लाख तक का GST आपको बेनिफिट है, आई रिपीट। तो पर उसका पहला ही क्लाइंट बजाज ऑटो था, वो नट बोल्ट्स बना रहा था, और पहला ही क्लाइंट कौन था, बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो की पहली रिक्वायरमेंट थी वी नीड टैक्स इनवॉइस। तो करेगा क्या, कस्टमर थोड़ी छोड़ेगा वो, है ना, बजाज ऑटो कस्टमर मिलना उसका एक रेपुटेशन है, वो ये थोड़ी बोलेगा जा मैं नहीं देता जा। अरे भाई साहब, GST दे के बर्डन पास ऑन ही करना है, ये कस्टमर क्यों छोड़ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो यस, बहुत से केस में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके लोग GST इनवॉइस बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अब ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन। लेकिन अगर किसी का सवाल थ्रेशोल्ड पे होगा कि सर थ्रेशोल्ड कैसे मिलता है, तो उसके लिए रुक जाना, क्योंकि अगर मैंने वो चालू किया तो वो एक अलग ही बहुत डिटेल डिस्कशन है, और हमारा मेन डिस्कशन बाजू में रह जाएगा। थ्रेशोल्ड पे हम डिस्कशन करेंगे 1 से 1.5 घंटा इन सेक्शन 22। कौन से सेक्शन में, 22 में। आपके सारे सवाल का आंसर मैं दे दूंगा। ओके, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो, तो ये कौन सी डेफिनेशन थी बेटा, टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो जस्ट मिनट, टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या,
चलो हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और रजिस्टर्ड में दो आ जाते हैं, जिन्होंने 20 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन लिया या जिन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया। यस ओके माइक देना प्लीज यहाँ पे। ओके तुम्हारा सवाल क्या है? नहीं होते बेटा फ्रॉड, वॉलंटरी ले रहे हो मतलब तो आप जीएसटी कंप्लायंस कर रहे हो, क्यों फ्रॉड होगी उसमें? आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो। सर जो टैक्स पेयर बनेंगे वो तब से फिर हमेशा के लिए बन जाएंगे क्या जीएसटी के लिए? हाँ सर, फिर टर्नओवर अगर एक साल 20 के ऊपर गया पर अगले साल फिर नीचे ही रहता, इसलिए तो मैंने कहा थ्रेशोल्ड पे सवाल सेक्शन 22 में पूछना। अच्छा ठीक है, तभी मैं समझाऊंगा आगे आने दे। एक नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट टर्नओवर। ओके तो उसमें मैं थोड़ी चीजें और समझाऊंगा, ठीक है? अभी रुक जा, अभी हमारा स्कोप कहां तक रखेंगे टैक्स पर। पेशेंस रखो, मुझे बताया क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ओके पर पेशेंस रखो, ठीक है? तो यहां पे मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे जाने दो। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन था, पहले 5 लाख पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं बेटा, जिस दिन आप टीपी बने, टीपी बनने के बाद जीएसटी चालू होता है, पहले 5 लाख या पहले 20 लाख पे जीएसटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो ट्रांजेक्शन हो गया। अब इमेजिन करो एक सवाल है कि वो ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कि आपने अगर यहां पे कस्टमर को बेच दिया, अप्रैल में बेच दिया और आपका टर्न और जो क्रॉस हुआ 20 लाख वो जुलाई में हुआ, तो अब वो अप्रैल वाला कस्टमर मिलेगा कहां से? अरे आया ना, वो तो चले गया माल खरीद कर। तो ऐसे केस में जब से आप टीपी बनोगे प्रोस्पेक्टिवली, आई रिपीट द वर्ड क्या, प्रोस्पेक्टिवली जीएसटी आपको लगेगा। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट अगर आते हैं रजिस्टर पर्सन। ये सिंपल डेफिनेशन है, रजिस्टर पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, जिसने रजिस्ट्रेशन लिया। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्या होता है? REG01। ओके पर ये हाईलाइट करो, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग UIN। ये बाद में पढ़ा होगा UIN है क्या, इसका भी स्पेशल डिस्कशन है। बस अभी इतना याद रखो कि रजिस्टर्ड पर्सन मतलब पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, और वो पर्सन नहीं आएंगे जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां देखें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है सप्लायर। ओके सप्लायर का डेफिनेशन सिंपल वे में, इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेस और बोथ, ओके In relation to any goods or services or both, shall means a person supplying said goods, supplier कौन? तो यहाँ पे person supplying the said goods or services or both, and shall includes, underline करो, shall includes his agent acting as such on the behalf of the supplier in relation to goods or services or both, ठीक है? तो यहाँ पे supplier का simple meaning बस इतना ही है बेटा कि जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या उसके बिहाफ पे जो एजेंट काम कर रहे हैं वो एजेंट भी सप्लायर माने जाएंगे, ठीक है? प्रोविजो इंसर्टेड, मैं ये प्रोविजो स्पेशली ऑनलाइन मनी गेमिंग और कुछ डेफिनेशन अभी नहीं, ये चैप्टर साथ चलते चलते पढ़ा होगा, जिसमें ये प्रोविजो आगे आएगी चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते। ये समझ में आया क्या? ये प्रोविजो क्यों, उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन ये बाद में लूंगा, एक्शनेबल क्लेम, ऑनलाइन गेमिंग, कभी इनकम टैक्स में तो सुना होगा ऑनलाइन मनी गेमिंग यहाँ पे भी क्या इम्पैक्ट आया है, और वर्चुअल डिजिटल असेट। ओके ये कॉन्सेप्ट जब आगे एक पैराग्राफ आएगा तब मैं आपको पूरा सिनारियो बताऊंगा और ये डेफिनेशन हम वहाँ पे रेफर करेंगे। देन चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन पे, और वो है रेसिपिएंट। नेक्स्ट डेफिनेशन पे वो है रिसिपिएंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मींस, अब देखो हु शुड बी रिसिपिएंट तो सिचुएशन ए बी और सी यहां पे दिया है, और स्पेशल रेफरेंस एंड शैल इंक्लूड्स द एजेंट। तो एक काम करो, ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे जगह दी हुई है यहां पे रेगुलर मैट में, चार्ट दिख रहा है आपको ऐसे एक जगह, अरे यस और नो, तो वहां पे आप डायग्राम बनाओ, ये चार्ट बनाओ मेरे साथ रिसिपिएंट का। ओके तो रिसिपिएंट का नेक्स्ट पेज पे यहां पे सेक्शन 293 रिसिपिएंट,
वही रेगुलर मैट में, आप फिर से रिपीट करता हूँ, चार्ट बुक में नहीं, किस में आना है? वर्टिकली पेज दिया है ना, हॉरिजॉन्टल कैसे दिया है? नहीं नहीं वर्टिकल वर्टिकल, जब तक मैं कुछ ना बोलूं, डिफॉल्ट एजम्पशन, क्या डिफॉल्ट एजम्पशन? वर्टिकल, बार बार पूछो मत, जब तक मैं ना बोलूं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल पेज। तो नेक्स्ट पेज पे प्राची, डिफॉल्ट एजम्पशन वर्टिकल, ठीक है। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट में मेक टू पार्ट्स, सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा स्पेस रखना, ओके। तो रिसिपिएंट मींस, ठीक है, यहां पे रिसिपिएंट मींस, वेयर, सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा स्पेस रखना, वेयर अ कंसिडरेशन, वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर, अब मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा हमारे डिस्कशन के लिए, पर आपने एग्जाम में पूरा लिखना, पेबल फॉर एसओजी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, और एसओएस मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेस, और सेकेंड इसमें लिखो वेयर नो कंसिडरेशन, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सॉरी नो कंसिडरेशन इज पेबल, बस इतना ही लिखो, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल। और इसमें फिर से बाद में दो पार्ट्स आएंगे, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल, इसमें दो पार्ट्स आएंगे। चलो तो यहां पे हु शुड बी द रिसिपिएंट, तो यहां कंसिडरेशन अगर पेबल होगा तो लिखो रिसिपिएंट इक्वल्स टू अ पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो यहां भी इन केस ऑफ एसओजी और सी इन केस ऑफ एसओएस, इन केस ऑफ एसओजी यहां हु पेज दैट कंसिडरेशन कर देना प्रॉपरली, अ पर्सन लायबल टू पेज दैट कंसिडरेशन, सॉरी सॉरी लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, हाँ इन केस ऑफ एसओजी लिखो डाउनवर्ड एरो, द पर्सन टू हुम फर्स्ट डैश गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल एंड सेकेंड डैश पोजिशन
और यूज ऑफ द गुड्स गिवन और मेड अवेलेबल मेड अवेलेबल। तो यहां पे थोड़ा सा जगह होगा तो ये लिख देना रिसिपियंट इक्वल्स टू द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और पोजीशन और यूज ऑफ द गुड्स गिवन और मेड अवेलेबल। यहां पे रिसिपियंट इक्वल्स टू द पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड ठीक है। चलिए रेसिपिएंट यानी क्या? यस रेसिपिएंट की डेफिनेशन एक्ट में इंपॉर्टेंट है फॉर रिवर चार्ज। मुझे बताओ रिवर चार्ज कुछ बताया था क्या मैंने? क्या बताया था रिवर चार्ज में मैंने? नॉर्मली सप्लायर देता है पर कुछ केस में बायर, मतलब अब बायर से अपग्रेड हो जाओ। जीएसटी में रेसिपिएंट बोलते हैं, जीएसटी में क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। तो कुछ केस में रिसिपिएंट देता है, तो हु शुड बी द रिसिपिएंट। चल पहला एग्जांपल, मेरे क्लास में यहाँ पे स्टूडेंट ऑफिस में आया, यहाँ पे कंसिडरेशन लेके आया और बिल बन रहा है और पैसा वही दे रहा है, टैक्स इनवॉइस में बना रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ समझ लो टैक्स इनवॉइस है और आपको क्लास का टैक्स इनवॉइस मिलने वाला है, और ये जो क्लास का टैक्स इनवॉइस है, नहीं नहीं ये वर्डिंग से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली समझ लो, वी स्मार्ट एकेडमी सप्लायर है, जो वी स्मार्ट एकेडमी ये सप्लायर हुआ, वो सप्लायर द सर्विसेज, एड्रेस पुणे, जीएसटीएन नंबर 27 जो भी होगा, और यहाँ ईमेल एड्रेस फोन नंबर, बायर नेम, बायर समझ लो हर्ष है, ओके बी टू सी है हर्ष, एड्रेस जो भी दिया होगा, जीएसटीएन नंबर नहीं है और एक्सेट्रा, और मुझे पैसा डायरेक्ट हर्ष दे रहा है, मेरे सर्विस का पैसा हर्ष दे रहा है फॉर कंसिडरेशन ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ओके ट्रेनिंग एंड कोचिंग होगा, जीएसटीएन होगा, और यहाँ पे वैल्यू 10,000 समझ लो, ओके और टोटल कितना हुआ यहाँ पे 10,000, नो डाउट इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यहाँ पे फेस टू फेस बैच में है बंदा, ओके तो क्या लगा होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे है फॉर फेस टू फेस बैचेस, अरे यस और नो, ओके तो मेरा डेस्टिनेशन पुणे रहेगा फेस टू फेस बैचेस का, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पुणे एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे? पुणे। मेरी बात समझ में आया क्या? तो पीएस पुणे, तो ये इंट्रा होगा। अब यहाँ पे एक ये हर्ष का एग्जांपल लिया, यहाँ तो डायरेक्ट, तो हु इज द रिसिपियंट ऑफ माय सर्विस, ओके ऑफ गुड्स, अ पर्सन हु पेज दैट कंसिडरेशन, जो मुझे मेरे सर्विस का कंसिडरेशन दे रहा है, ओके वो रिसिपिएंट माना जाएगा। चलिए अब एक केस स्टडी आपके लिए, और केस स्टडी ये कि समझ लो आयुष जो है, आयुष यहाँ पे कोई कंपनी में ज्वाइन हुआ है और वो कंपनी का एज अ मैनेजर ज्वाइन हुआ है, लेकिन वो जीएसटी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जैसे टाटा मोटर्स में जीएसटी डिपार्टमेंट का मैनेजर अपॉइंट किया है, लेकिन आयुष को जीएसटी समझना है, और जीएसटी समझने के लिए उसने देखा कि भाई कौन अच्छा मुझे जीएसटी समझा सकता है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसे समझ लो एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसने यहाँ पुना आके प्रेस्टीज पॉइंट पे फेस टू फेस क्लास लिया, कंपनी ने इस ट्रेनिंग के लिए, कमऑन कंपनी ने इस ट्रेनिंग के लिए उसको ओके पैसा दिया कि भाई आप वो ट्रेनिंग करके आ जाओ और पैसा कंपनी देगी, कमऑन पैसा
कंपनी देगी, पर कंपनी का कहना है कि बिल कंपनी के नाम का होगा। अरे है ना, और कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स, जीएसटीन भी है। ओके, तो अब मेरी सर्विस ले रहा तो आयुष है, अरे है ना, लेकिन बिलिंग टाटा मोटर्स के नाम का है, तो हु शुड बी द रिसिपिएंट? ना पैसा टाटा मोटर्स देगी, डायरेक्ट मुझे पेमेंट कौन करेगी? टाटा मोटर्स। हु शुड बी द रिसिपिएंट, आयुष या टाटा मोटर्स? कौन? जिसको सर्विस दिया या जिसने कंसिडरेशन दिया? ये समझा नहीं समझा? इन शॉर्ट, मैं आपको एक चीज अभी बताना चाहता हूं, इनवॉइस इज वेरी क्रुशियल डॉक्यूमेंट, वेरी क्रुशियल डॉक्यूमेंट। यहां जिसका नाम लिखा है वो रिसिपियंट है। हु पेज द क्या? कंसिडरेशन, वो रिसिपियंट माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो यहां टाटा मोटर्स रिसिपियंट माना जाएगा। ओके, वेरी गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट भी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ओके, तो यहां पे रिसिपियंट आयुष नहीं माना जाएगा। ओके, रिसिपियंट टाटा मोटर्स माना जाएगा, क्योंकि लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है हु पेज द क्या? कंसिडरेशन। तो यहां कंसिडरेशन जो दे रहा है, बात खत्म। ओके, जो दे रहा है, ओके, वो रिसिपियंट। अब समझ लो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो सप्लाई कहे जाते हैं एज पर लॉ, पर रियल सेंस में वो स्टॉक ट्रांसफर होते हैं, वो जो है ओके यहां पे विदाउट कंसिडरेशन होता है, जिसमें कंसिडरेशन कुछ नहीं होता है, जस्ट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स और सर्विस, लेकिन जीएसटी लॉ के हिसाब से वो सप्लाई बोले जाते हैं, जिसमें कंसिडरेशन नहीं होते हैं। कोई एक आधा एग्जाम्पल? अरे कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है पर सप्लाई बोला गया है? कल से यही बढ़ा रहा हूं क्या? स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डीडीपी, बिटवीन क्या? डीडीपी। ये समझ में आया क्या? अच्छा, उसमें कंसिडरेशन है ना, आपकी ब्रांच आपको पेमेंट करेगी क्या? नहीं, मैंने जो टीवी भेजा दिल्ली, कौन सा मेरे को पेमेंट आया? अरे मेरी ब्रांच है भाई साहब, अरे है ना। ओके, मैंने स्टॉक भेजा या मैंने सर्विस दी अपनी ब्रांच को, कौन सा पेमेंट आया? या फिर मैंने अभी सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल बताया हिच्चेवाड़ी में, उसने अपने एम्प्लॉय अपनी ब्रांच को भेजे, कौन सा पेमेंट आया? नहीं आया, बट इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर लॉ। आपका मन माने ना माने, सेपरेटली रजिस्टर्ड है। ये समझ में आया? वेरी गुड, डीडीपी, बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पे, विद इन कंपनीज ब्रांचेस विच आर सेपरेटली रजिस्टर्ड। तो ऐसे और कुछ ट्रांजेक्शन्स आएंगे आगे जिसमें कंसिडरेशन नहीं होते हैं तभी सप्लाई बोला जाएगा। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सिचुएशन में हु शुड बी द रिसिपियंट? तो ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, आई रिपीट, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, तो वो केस में द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड और क्या बेटा? मेड अवेलेबल, जिसको गुड्स दिया फिर वो रिसिपियंट। देखो अगर कंसिडरेशन है तो जो पैसा देगा वो रिसिपियंट, समझाया नहीं समझा? और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर जिसको गुड्स दिया वो रिसिपियंट, ओके, या मेड अवेलेबल, ओके, या जिसको पोजीशन और यूज दिया वो रिसिपियंट। चलो ये मेड अवेलेबल का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जो आगे बहुत काम आएगा, अभी डोर बांध रहा हूं। ओके, ध्यान से सुनो, मेड अवेलेबल एक तो क्या होता है, ओके, आपको गुड्स डिलीवरी करके दिया जाता है कि भाई लेके जाओ ये गुड्स, और आप आपके घर पे दी जाती है या आपको शॉप पे दी जाती है, उसको कहते हैं डिलीवर्ड। जो गुड्स मूव होता है, अरे है ना, जो गुड्स मूव, ओके, तो उसको कहते हैं कि आपको डिलीवरी दे दी। ओके, अमेजोन की डिलीवरी घर पे आएगी अगर आप स्टेशनरी खरीदोगे, अरे है ना, ब्लिंकिट की डिलीवरी घर पे आएगी अगर आप कोई गुड्स खरीदोगे, नहीं तो आप शॉप में जाके खरीदोगे, वहां डिलीवरी होगी, पर गुड्स मूव हो रहा है, अरे है ना। और मेड अवेलेबल मतलब क्या? मेड अवेलेबल मतलब गुड्स मूव नहीं हो रहा है। ओके, जो मतलब यहाँ एग्जांपल, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरा एक क्लासरूम था नीचे, छोटा वाला क्लासरूम था। ओके, तो हमने क्या किया कोविड में, अब वो क्लासरूम छोटा भी था और कोविड में मेरा, कोविड के पहले पूरा सेटअप था उसमें, सेटअप मतलब बेंचेस भी थे, कैमरा भी था, प्रोजेक्टर भी था, लाइट्स भी लगे हुए थे एंड एक्सेट्रा। लेकिन फिर कोविड में मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, इसको रखने में कोई फायदा नहीं है। ओके, तो कोविड के बाद जब क्लासेस चालू हुई और क्लास छोटा भी हो गया, तो फिर मैंने उसको कहा कि यार इसको कुछ करते हैं। तो एक कोई दूसरी फैकल्टी आ गई और उसने कहा कि सर आपका क्लासरूम रेडी है, कम ऑन, आपका क्लासरूम रेडी है, उसके बेंचेस, उसका कैमरा, उसके लाइट्स, उसका प्रोजेक्टर सब मुझे रखना है, बोलो क्या है।
तो मैंने कहा ठीक है रख ले। तो मुझे बता मैंने इसमें गुड्स डिलीवर्ड किया मुंह किया कि मेड अवेलेबल करवा दिया? मैंने उसको मुंह नहीं किया, मैंने कहा ले ले रख ले और वो रूम भी रख ले भाड़े से। अरे है ना, तो कभी कभी एज सच एज इज वेर इज एक वर्ड आता है क्या, एज इज वेर इज भैया ऐसा कैसा ले ले, ठीक है। तो वहां पे वर्ड डिलीवर्ड नहीं आता है, वहां पे वर्ड क्या आता है मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल। तो रिसिपिएंट कौन, जिसको मैंने गुड्स अवेलेबल करवा के दिया, ओके, या जिसको पोजेशन दिया या यूज दिया, ओके, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस, ओके, सर्विसेस तो जिसको सर्विस मैंने रेंडर्ड की, रेंडर्ड मतलब मैंने सर्विस दी, सर्विस दी, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। चलो इसको क्लोज करो, पूरा ऐसा क्लोज करो चार्ट को और आगे लिखो स्पेशल रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस, एनी रेफरेंस any reference to a person to whom a supply is made, shall be construed as a reference to the recipient of supply, to the recipient of supply. Immovable पे GST नहीं लगता है, पर मैंने यहां पे प्रॉपर्टी थोड़ी बेची बेटा, प्रॉपर्टी के अंदर के बेंचेस बेचे, बेंचेस मूवेबल है, प्रोजेक्टर मूवेबल है, कैमरा मूवेबल है। अरे है ना, मैंने बोला भाई बेंचेस ले ले, कैमरा ले ले, उसका पैसा दे दे, प्रॉपर्टी थोड़ी बेची मैंने, प्रॉपर्टी तो रेंट पे दी है। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो चलिए अब ये जो है अभी नहीं समझेगा, लेकिन आगे दो ऐसी केसेस आएगी जहां मैं इसका रेफरेंस लूंगा, इसलिए मैं स्पेशली लिखवा रहा हूं। एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू होम अ सप्लाई इज मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूड एज अ रेफरेंस टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। कुछ पर्टिकुलर आगे केसेस ऐसी है कि जहां पे ये लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर पर्सन को दोगे तो ही सप्लाई माना जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को दोगे तो सप्लाई माना जाएगा, तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन दैट रेफरेंस वो माना जाएगा जिसको आपने सप्लाई किया। नहीं समझेगा? ओके, पर आगे कवर करूंगा। एंड लास्ट लिखो नीचे, शैल इंक्लूड्स डैश करके लिखो एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, सिंपल वर्ड में एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। Acting on the behalf of recipient मतलब एजेंट, अगर कोई रिसिपियंट के बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो भी रिसिपियंट माना जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन थी, रिवाइज करेंगे अभी। अगर आपको 60% भी समझा होगा तो मोर देन इनफ, आगे आपको 110% समझ जाएगा इसका वर्ड टू वर्ड। ओके चलो, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हो तो एक क्वेश्चन दिया है P5। XYZ Limited, manufacturer of goods, supplied goods value 20 lakhs to Mr. B. Who is the supplier in this given case? अरे बोलो ना, कौन सप्लायर है? ये क्वेश्चन भी था क्या? सिंपल तो था, XYZ क्या लिमिटेड जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है। अच्छा सेकेंड,
सेकंड ओके एक सप्लायर के जगह हु इज द रिसिपिएंट डाल दो. ओके सप्लायर के जगह हु इज द रिसिपिएंट इन दिस केस. तो कौन रिसिपिएंट रहेगा बेटा? ओके मिस्टर बी. चलो इसमें कुछ खास नहीं है डिस्कस करने लायक. अब चार्ट के नीचे अगर आप देखोगे तो ये बताओ मिस्टर ए फ्रॉम नागपुर इज अ कंसाइनमेंट एजेंट ऑफ कोका कोला लिमिटेड एज ही P7 पे आ जाओ एज ही अंडरटेक्स द सप्लाई ऑफ कोका कोला ब्यूरेज ऑन द बिहाफ ऑफ कोका कोला लिमिटेड. अकॉर्डिंगली मिस्टर ए सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज कितना बेटा? 20 lakhs टू मिस्टर सी ऑन द बिहाफ ऑफ कोका कोला. हु इज द सप्लायर इन द ट्रांजेक्शन अंडर द GST एक्ट? एक्सप्लेन. तो यहाँ पे बेटा मुझे बताओ सप्लायर के डेफिनेशन में क्या उसका एजेंट भी आता है? तो ओके सप्लायर के डेफिनेशन में उसका एजेंट भी आता है. तो ये केस में हु इज द सप्लायर? मिस्टर ए सप्लायर माना जाए. यहीं लिख दो. ओके क्वेश्चन में P7 देखो. सप्लायर इंक्लूड्स हिज एजेंट. सप्लायर इंक्लूड्स हिज एजेंट. देयरफॉर मिस्टर ए इज अ सप्लायर. इज अ सप्लायर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अगर हम यहां ले P8. वी स्मार्ट एकेडमी हैव गिवन ट्रेनिंग इन GST टू मिस्टर आकाश हु इज एन आर्टिकल ऑफ CA फर्म ABN एसोसिएट. किसका कौन से फर्म का आर्टिकल है? ABN. उसको ट्रेनिंग. द इनवॉइस फॉर दिस सर्विस इज द नेम ऑफ. इनवॉइस किसके नाम पे? पैसा कौन दे रही है? ABN एसोसिएट. हु इज ऑल्सो पेड अ कंसिडरेशन फॉर द सेम. हु इज द रिसिपियंट इन गिवन केस? बता कौन है? तो लिख दो रिसिपियंट ABN एसोसिएट. ABN एसोसिएट. चलो नेक्स्ट P9. सैमसंग लिमिटेड ट्रांसफर स्टॉक फ्रॉम फैक्ट्री F1 महाराष्ट्र टू फैक्ट्री F2 गुजरात विदाउट एनी कंसिडरेशन. अकॉर्डिंगली गुड्स आर डिलीवर्ड टू फैक्ट्री F2. हु इज द रिसिपियंट? तो इसमें कंसिडरेशन है कि नहीं है? तो लिखो नो कंसिडरेशन. हेंस recipient is factory F2 to whom goods are delivered. To whom goods are delivered. Done बेटा. चलो सिंपल कॉन्सेप्ट था. अब आ जाओ यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है. मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ विच इज लेवियबल टू. हाईलाइट करो विच इज क्या? लेवियबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. उसे टैक्सेबल सप्लाई बोला जाएगा. तो नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई. हाईलाइट करो नॉन टैक्सेबल सप्लाई means a supply of goods or service which are kya? Which are okay goods or services which is not levyable to tax under this act or IGST act. Chalo ye chart dekh ke batao. Ye chart jo hai levy ka chart tha chapter number 2 ka. Yaad aa raha hai kya? Kaun se aise goods hai jiske upar levy nahi hai? GST लेविड ही नहीं होता है. समझ में आया क्या? 7 ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर GST लेविड ही नहीं होता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर, ENA, अरे है ना, स्पिरिट, जिसके ऊपर गुड्स का लेवी होता ही नहीं है. समझ में आया क्या? तो ये जो 7 कैटेगरी है इसके आगे और इसके पहले भी पढ़ाया था,
इसको जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है, कुछ याद आया क्या? तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑन विच देयर इज नो लेवी ऑफ जीएसटी, नो लेवी ऑफ क्या? जीएसटी। तो मुझे बताओ फिर टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या बोला गया? टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेवन गुड्स छोड़कर, आई रिपीट, सेवन गुड्स छोड़ के ऑल गुड्स और सर्विसेस, आई रिपीट, ऑल गुड्स और सर्विसेस आर टैक्सेबल सप्लाई? ये समझ में आया क्या? तो यहां पे वही वो यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई तो यहां पे और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नेक्स्ट पेज एक ब्लैंक पेज दिया है, वर्टिकल पेज, रेगुलर मैट में ब्लैंक पेज मिला वहां पे आपको। चलो अब एक चार्ट ड्रॉ करना है। ओके, सप्लाई, सप्लाई के मेनली दो कैटेगरी होती है, बोलो कौन सी दो कैटेगरी होती है? अरे चलो 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 चलो, ओके मुझे पता है कि अब भी थोड़ी दिक्कत जा, वर्टिकल पेज, जब तक मैं ना कहूं पेज को आड़ा नहीं करने का, ठीक है, वर्टिकल। तो सप्लाई, तो ये सप्लाई में दो टाइप के, एक कौन सा बेटा? अरे बोलो ना। ओके, सेक्शन याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो बहुत अच्छी बात, सेक्शन 2108। अच्छा सर, सेक्शन 2 में कोई डेफिनेशन है और हमने सिर्फ इतना लिखा सेक्शन 2 तो चलेगा क्या? चलेगा। ओके, क्लॉज तो मोदी जी को भी याद नहीं है, अरे हाँ है ना, सेक्शन 2 भी लिख दिया तो भी चलेगा। तो यहां पे लिखो टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, और इधर सेक्शन 278 क्या बेटा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, 278 नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब टैक्सेबल सप्लाई में यहां पे लिखो मींस, मींस अ सप्लाई, अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, गुड्स और सर्विसेस और बोथ विच इज लेवियबल टू टैक्स, लेवियबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, अंडर द एक्ट, लेवियबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, ठीक है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस, मींस अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, एसओजी और एसओएस, इसके आगे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। एसओजी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, ओके, एसओजी और एसओएस विच इज नॉट levyable to tax, not levyable to tax under the act. Example, five petroleum products, and two alcoholic product. मैं ऐसा कर दूँ, two alcoholic product, ईएनए भी रॉ मटेरियल है अल्कोहल का, अरे है ना, टू अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ऐसे टोटल सेवन, टू अल्कोहलिक प्रोडक्ट ऐसे टोटल बेटा सेवन, ठीक है। तो ये अब एक काम करना, ये जो टैक्सेबल सप्लाई है इसमें फोर पार्ट्स, टैक्सेबल सप्लाई जो है, क्योंकि नॉन टैक्सेबल के नीचे कुछ नहीं, वो हो गया, यहां पे सेवन कैटेगरीज,
सॉरी ये एक्ट सही कह रहे हो आप. अंडर दिस एक्ट, ओके, एक्ट में कैपिटल ए आप यूज कीजिएगा, ठीक है. तो अंडर दिस एक्ट, और ये हमने देखा नाउ. अब यहां पे पहला, सबसे पहले लो चार्जेबल सप्लाई. चार्जेबल सप्लाई, दूसरा जीरो रेट सप्लाई, तीसरा एग्जम सप्लाई, और लास्ट नील रेट सप्लाई. एग्जम सप्लाई और लास्ट नील रेट सप्लाई. ठीक है, तो यहां पे चार्जेबल सप्लाई मीनिंग लिख लो, फिर मैं ब्रेक के बाद एक एक चीज पूरी डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, चार्जेबल सप्लाई मींस एसओजी और एसओएस ऑन विच जीएसटी is actually payable actually payable, it does not includes exempt और नील रेटेड और जीरो रेट सप्लाई. चार्जेबल मतलब ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी एक्चुअली पेएबल है, ठीक है. नेक्स्ट, जीरो रेट सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई. जीरो रेट सप्लाई ये टैक्सेबल सप्लाई है, इज अ टैक्सेबल सप्लाई, बट GST is payable at zero rate, specially in case of export bracket में इसको लिखो export incentive. ब्रैकेट में लिखना है एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ठीक है. इसके बाद में एग्जम सप्लाई. एग्जम सप्लाई, एग्जम सप्लाई is a taxable supply but GST is exempted by government
GST is exempted by government to promote socio-economic object. Socio-economic objective, socio-economic objective, or next, nil rate supply is a taxable supply. Nil rate supply is a taxable supply but applicable rate in GST tariff TARIFF is nil. Applicable rate in GST tariff is nil. नहीं, ये definition, ये normal meaning है बेटा, ये act में defined नहीं है, ये normal meaning है definition जो मैं दे रहा हूं. चलो, ये सारा डेफिनेशन जो मैंने दिया है एक नॉर्मल मीनिंग आपको दिया हुआ है. ठीक है, ब्रेक लो, फिर इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको. ओके, पहले आप ब्रेक ले लो. झरॉक्स नाही आणलं का अजून? रेडी नाही झालं, त्याला कंटिन्यू रात्री पण भेटलो होतो. ठीक, हा नाही काही नका, ते मेडिसिन काढा फक्त.
चलो चलो आ जाओ बेटा यहां पे प्लीज 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 प्लीज। तो जैसा आप अगर ये चार्ट देखते हो तो ये चार्ट में सप्लाई के मेजर दो कैटेगरीज है, एक टैक्सेबल सप्लाई और एक क्या बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एक टैक्सेबल सप्लाई। इसके आगे ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं कहूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो आपके दिमाग में 7 कैटेगरी ऑफ गुड्स ही आने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, ओके, जिसके ऊपर लेवी नहीं होगा। पर टैक्सेबल सप्लाई मतलब सप्लाई ऑन विच ओके जीएसटी का लेवी होगा, ऑन विच जीएसटी का लेवी होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये नीचे जो अलग अलग कैटेगरी मैंने दी है इसकी डेफिनेशन एक्ट में नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स जो है एक्ट में यूज किया है। हाँ, एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन आगे है और इसमें एक्ट में वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए ये नीचे जो कैटेगरी दी है इसको समझ लीजिए। एक सप्लाई होता है चार्जेबल, एक सप्लाई होता है जीरो रेट और एक एग्जम्प्ट और नेक्स्ट क्या बेटा नील रेट। मैं अभी आपका ध्यान चाहूंगा प्लीज, ओके यहां पे ध्यान चाहूंगा। मैंने नोटिफिकेशन 11/2017 में जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया तो ये जस्ट तब का एक रिसेंट नोटिफिकेशन है, ओके, और ये नोटिफिकेशन जीएसटी आने के पहले 28 जून को ही इश्यू हो गया था, उससे हमको लेना देना नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर आप ऐसा टेबल देखते हो तो टेबल में इन्होंने यहाँ पे ये कुछ कोड दिए हुए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस है या आगे ओके सर्विस इन रिटेल ट्रेड है, ओके या वॉट एवर इट में भी जो भी सर्विसेस है इसके यहां, अगर आप ये टेबल में देखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस है ये टेबल में देखोगे तो ये टेबल में जब इन्होंने ये नोटिफिकेशन, इसको हम सिंपल वर्ड में जीएसटी टैरिफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं जीएसटी टैरिफ, जिसमें जीएसटी के रेट दिए हैं, ऐसे गुड्स और सर्विसेज के रेट होते हैं, तो ये जो है इसको हम कहते हैं ओके यहाँ पे एचएसएन। कभी नाम सुना है एचएसएन इनवॉइस में? अरे है ना, इनवॉइस में अगर आपको याद होगा तो इनवॉइस के फॉर्मेट में आपको एक कोड देना पड़ता है और कोड क्या होता है बेटा एचएसएन, कि भाई आपका सर्विस, समझ लो आप जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, जल्दी आ जाओ फटाफट, और ब्रेक 10 मिनट्स का है बेटा, 20 मिनट्स का नहीं है, ओके सो यहां पे अगर आप देखते हो तो जैसे आपको एक गुड्स के या सर्विस के कोड देने पड़ते हैं, जैसे आप कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहे हो, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस मतलब ये जो प्राइवेट बसेस है ओके एसी बसेस है, प्रसन्ना ट्रेवल्स, नीता ट्रेवल्स, अमका ट्रेवल, ढमका ट्रेवल्स, अरे है ना, तो कंट्रोल, मैं एक लेवल तक मजाक एक्सेप्ट करूंगा, उससे ज्यादा नहीं, मुझे पता है कौन कमेंट पास कर रहा है, ठीक है। तो अब समझ लो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस है ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस अगर हम ले ले तो ऐसे केस में कोई भी जब बिल बनाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस का तो उसका एक कोड देगा, जैसे आपको हम वी स्मार्ट का भी स्लिप मिला होगा तो एक कोड आया होगा, अरे है ना, सर्विस सर्विस के लिए इस कोड को एसएससी कोड कहते हैं और गुड्स के लिए इस कोड को एचएसएन कहते हैं, अरे है ना, आई रिपीट, सर्विस के लिए क्या कहते हैं एसएसी कोड ओके, और गुड्स के लिए एचएसएन कोड कहते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा,
तो आपको इनवॉइस में ये कोड मेंशन करना पड़ता है कि आपकी सर्विस कौन से कोड में आती है, और आपने सर्विस दे दिया, मे बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेल होगा या वॉट एवर इट में भी, उसके सामने जीएसटी रेट लिखे होते हैं, और ये जीएसटी रेट है 2.5% या 9% या फिर जो भी रेट दिए है, ये ऐसे रेट यहाँ पे दिए हैं। तो अब यहाँ जो ये जो रेट है, समझ लो ये जो जीएसटी रेट दिया हुआ है सीजीएसटी का 9%, क्योंकि ये नोटिफिकेशन सीजीएसटी का है, सेम नोटिफिकेशन एसजीएसटी में भी है, तो एसजीएसटी में भी क्या रहेगा बेटा 9%, और इंटरेस्ट रेट हुआ तो टोटल कर दो, टोटल कितना 18%। यहां तक सबको समझ में आया, ध्यान से सुनो ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज के ऐसे उन्होंने रेट्स दिए हुए हैं। अब समझ लो यहां पे टैक्सेबल सप्लाई मतलब 7 गुड्स छोड़ के बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी का लेवी होता है, लेकिन ये जो यहां पे रेट दिया है समझ। अब चार्जेबल का मतलब क्या बेटा, चार्जेबल मतलब ओके आपको जीएसटी देना है भाई साहब, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई नील नहीं, कोई कुछ नहीं, जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है और अगले महीने के 20 तारीख को पे करना है, ये समझ में आया। तो उसको कहा जाता है चार्जेबल सप्लाई, यू नीड टू पे जीएसटी, दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड। 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, दैट इज चार्जेबल ओके। लेकिन कभी कभी अब समझ लो ओके एग्जाम्पल लो कोविड आ गया, और कोविड में गवर्नमेंट को रेल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस है या कोई गुड्स है जिसका रेट दिया हुआ है, आई रिपीट जिसका रेट, क्या रेट से ये सर्विस टैक्सेबल है 2.5% प्लस 2.5%, लेकिन गवर्नमेंट को इसको टेम्पररी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आई रिपीट क्या, टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट को टेम्पररी कुछ पीरियड के लिए एग्जम करना है, आई रिपीट क्या, एग्जम करना है। तो फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है कि भाई ओके इस कोड में आने वाला गुड्स या इस कोड में आने वाली सर्विसेस, वो कोड दे देती है सीधा सीधा, इस कोड में आने वाला गुड्स या इस कोड में आने वाली सर्विसेस, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेल इज एग्जम्प्टेड, आई रिपीट द वर्ड क्या, एग्जम्प्टेड। मुझे बताओ एग्जम किया इसका मतलब नोटिफिकेशन से रेट निकाल दिया या अलग नोटिफिकेशन से एग्जम किया, एग्जाम किया। तो अब आप सबके लिए एक सवाल है कि जो गुड्स को गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन एग्जाम किया है, आई रिपीट बाय नोटिफिकेशन, तो मुझे बताओ एग्जाम परमानेंट कर दिया या कुछ पीरियड के लिए किया है, कुछ पीरियड के लिए किया है। भाई कोविड में जीएसटी लगाना सही बात नहीं है, ये बेसिक सर्विस है या बेसिक गुड्स है, नॉर्मली इसके ऊपर जीएसटी आता है, पर फिलहाल नहीं लगाना है, अरे यस और नो। तो ये बताओ अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है तो ये गुड्स का नेचर क्या है, नॉन टैक्सेबल या टैक्सेबल, टैक्सेबल बट एग्जम्प्टेड, नहीं समझा, आई रिपीट टैक्सेबल बट, तो एग्जम्प्टेड नॉन टैक्सेबल नहीं है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है बताओ, एग्जम्प्टेड जो गुड्स है वो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल तो 7 ही है जिसके ऊपर लेविज नहीं, नॉन टैक्सेबल तो 7 ही है जिसके ऊपर लेवीज नहीं, एग्जम्प्टेड मतलब लेवी है, रेड भी है, अरे है ना, लेवी है रेड भी है, बट गवर्नमेंट ने टेम्पररी एग्जाम किया है कि भाई मत दो अभी फिलहाल, हमें प्रमोट करना है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, ये पर्टिकुलर सर्विस को प्रमोट करना है, समझ में आया क्या, आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं ओके। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे एग्जाम सप्लाई, इसलिए मैंने एग्जाम सप्लाई के नीचे चार पार्ट किए, वो चारों टैक्सेबल है, एक चार्जेबल है, एक क्या एग्जम्प्ट है। कभी कभी क्या देखोगे आप, ये एग्जाम सबको क्लियर, यस और नो, कभी कभी आप क्या देखोगे कुछ गुड्स या सर्विस के सामने यहां पे रेट के बजाय नील लिखा हुआ है, मतलब रेट ही नहीं क्या लिखा हुआ है, नील। तो इसको कहा जाता है अगर कोई गुड्स और सर्विस के सामने रेट दिया हुआ है पर रेट ही नील है, तो मुझे बताओ ये गुड्स अगर नील रेट पे होगा तो नॉन टैक्सेबल हो गया है या ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल तो 7 ही है बस,
यानी इसके ऊपर लेवी है, पर फिलहाल रेट क्या है? नील है। ये समझ में आया क्या? फिलहाल रेट क्या है? नील है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्ड एंड नील? हाँ, एग्जम मतलब कुछ रेट्स है बट एग्जम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन, और नील रेट मतलब टैरिफ में रेट ही नील है। हाँ, गवर्नमेंट बाद में इसको बदल सकती है, टैरिफ को बदल सकती है, अरे समझ में आया क्या? पर फिलहाल रेट ही क्या? नील है। डिड यू अंडरस्टैंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्जम्प्टेड एंड नील? ठीक है, तो ये सप्लाई जो है वो नील बोला जाएगा, ये सप्लाई जिसको अलग से एग्जम्पशन दिया वो एग्जम बोला जाएगा, और ये सप्लाई चार्जेबल बोला जाएगा, जिसके ऊपर जीएसटी देना है, जो एग्जम नहीं है, नील रेट नहीं है, टैक्स देना है भाई साहब। ओके, ये अगर सबको समझ में आया होगा तो हमारे तीन सप्लाई हो गए। बताओ कौन से तीन सप्लाई हो गए? चार्जेबल टैक्सेबल ही बोला जाएगा, एग्जम भी टैक्सेबल ही बोला जाएगा, नील भी टैक्सेबल ही बोला जाएगा। सच में कहो क्या, एक लाइन में याद रखना, सात गुर छोड़ के बाकी सब टैक्सेबल। हाँ, किसी के पे नील रेट अभी नहीं देना है, किसी पे एग्जम्पशन दिया हुआ है, समझ में आया क्या? टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक, परमानेंट एग्जम नहीं रहता बेटा, एग्जम्पशन कभी भी विड्रॉ हो सकता है। ओके, मे बी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पर गवर्नमेंट कभी भी उसको विड्रॉ कर सकती है। चलिए अब आते हैं एक वर्ड पे, क्या बेटा? जीरो रेट सप्लाई। एक वर्ड पे आते हैं, जीरो रेट सप्लाई। मैं अब आपको ये बताना चाहूंगा कि जीरो रेट ऐसा कहीं पे नहीं है, है तो नील लिखा हुआ है, अरे है ना, या फिर रेट दिया हुआ है। पूरा टैरिफ देख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा जीरो रेट करके नहीं मिलेगा। अरे ये सर नो, तो फिर सर ये जीरो रेट क्या है? अब समझ लो जीरो रेट है, ओके, समझ लो कोई गुड्स है, जैसे कोई जीटीए सर्विस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, गवर्नमेंट एक स्कीम देती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये गुड्स या सर्विस आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, मैंने क्या कहा, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, तो आप इंडिया के ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। भाई एक्सपोर्ट करने से क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो? तो आप अगर ये इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ला रहे हो, और जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रांग है, ओके, वो कंट्री का यहां पे मैं ये कह देता हूं कि कोई भी वर्ल्ड का रिसोर्स परचेस करने का पावर स्ट्रांग है। अरे यस और नो, उसकी करेंसी डोमिनेट करती है। तो ऐसे केस में आप एक्सपोर्ट करके इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। ओके, तो यहां पे अब गवर्नमेंट एक स्कीम लाती है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हाँ, वैसे तो टैरिफ में रेट है, ओके, वैसे तो टैरिफ में रेट है, मतलब तू अगर यही सर्विस या ये गुड्स तू इंडिया में सप्लाई करता, आई रिपीट, क्या सप्लाई करता, इंडिया में, तो हम जीएसटी लगा देते, पर तूने बहुत बड़ा योगदान किया है, क्या योगदान किया है, एक्सपोर्ट किया है, इसलिए हम इसको, ओके, आपके जो रेट दिए है वो रेट को क्या कर देंगे बेटा, जीरो, मतलब टैरिफ में जीरो नहीं होगा, आई रिपीट, टैरिफ में जीरो नहीं होगा, तुम्हारा पेमेंट जीरो कर देंगे। ये समझ में आया क्या? टैरिफ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे वहां जो रेट, क्यों? क्योंकि वो टैरिफ उनको भी अप्लीकेबल है जो इंडिया में सप्लाई करते हैं। अरे यस और नो, अब भाई तुम इंडिया में सप्लाई करोगे तो ही यही टैरिफ कोड आएगा, और तुम एक्सपोर्ट भी करोगे तो भी यही टैरिफ कोड आएगा, जो भी टैरिफ कोड दिया होगा, अरे आया ना, तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट को अलग से वो पेमेंट से जीरो कर देते हैं कि भाई ठीक है, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? ओके, तो मैं एक सवाल पूछूंगा, वेदर जीरो रेट सप्लाई इज नॉन टैक्सेबल या ओके टैक्सेबल? टैक्सेबल, बट इट इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव। आई रिपीट द वर्ड, इट इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेट एंड जीरो रेट? बताओ डिफरेंस क्या है नील रेट और जीरो रेट में? नील रेट टैरिफ में नील है, वो तो इंडिया में बेचो या इंडिया के बाहर बेचो, रेट ही नील है भाई साहब। अरे है ना, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल इंडिया में बेचो या इंडिया के बाहर बेचो, रेट ही नील है। मेरी बात समझे क्या? और जीरो रेट, रेट नील नहीं है, रेट नील नहीं है, पर आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट पेमेंट जीरो कर देगी।
यस और नो? तो ये था रिगार्डिंग टू ओके जीरो रेट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चार्ट. यस और नो? सिंपल था. तो एक बार पढ़ लेता हूँ. चार्जेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी देना है, जो एग्जम नहीं है, नील रेट नहीं है. जीरो रेट सप्लाई मतलब टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी इज पेबल एट जीरो रेट स्पेशली इन केस ऑफ क्या? एक्सपोर्ट. ये एक तरह का एक्सपोर्ट, हाईलाइट करो, ये एक तरह का एक्सपोर्ट इंसेंटिव है. उसके बाद में एग्जम सप्लाई भी टैक्सेबल है. आई रिपीट, एग्जम सप्लाई भी टैक्सेबल है. बट एग्जम सप्लाई ओके जो गवर्नमेंट एग्जम करेगी टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. और नील रेट सप्लाई ओके वो टैरिफ में रेट क्या दिया हुआ है? नील दिया है. ओके टैरिफ में रेट यहाँ पे नील दिया है. तो ये था यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई. और दूसरा क्या था बेटा? नॉन टैक्सेबल सप्लाई. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, अब थोड़ा सिर्फ लिख के रखो, ये आगे के डिस्कशन में आएगा तब याद दिलाऊंगा. ये जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई प्लस नील रेट सप्लाई प्लस ये जो है, इसको ऐसा कंबाइन करो. एक मिनट ना. नॉन टैक्सेबल सप्लाई ओके ये वन, ये टू और ये थ्री, इसको ऐसा कंबाइन करो. मतलब एग्जम, नील रेट एंड क्या? नॉन टैक्सेबल. किया कंबाइन. चलो अब यहां पे लिखो तीनों को कंबाइन करके. फॉर जीएसटी पर्पज, नहीं सर, एक्सपोर्ट में सौरभ बर्डन भी पास नहीं होता. एक सवाल लेना चाहूंगा इन बिटवीन. एक्सपोर्ट में बर्डन भी पास नहीं होता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट प्राइस कम रखो. क्यों कम रखो? बिना टैक्स का रखो. हम आपको जीरो कर रहे हैं ना, तो आप भी आगे जीएसटी मत लगाओ. ओके क्यों सर, आगे क्यों नहीं जीएसटी लगाए? क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है भाई साहब. चाइना हमारे से सस्ते में बेच रहा है. अरे है ना, या अदर कंट्री हमारे से सस्ते में बेच रही है. तो हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि हमने जीरो इसलिए किया क्योंकि सस्ते में बेच, बिना जीएसटी लगा के बेच. ये समझ में आया क्या? तो यहां पे फॉर जीएसटी पर्पज अंडर सेक्शन 247, अंडर सेक्शन 247 दे आर ट्रीटेड एज एग्जम सप्लाई. एग्जम सप्लाई दे आर ट्रीटेड एज एग्जम सप्लाई. एग्जम नील रेट और नॉन टैक्सेबल. डन. अब थोड़े वापस बैक पेज पे आओ. बैक पेज पे हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने? टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग देख लिया हमने. और क्या देख लिया? नॉन टैक्सेबल भी देख लिया. नेक्स्ट, हाँ एक मिनट, 247. हाँ, एक जब भी इस एक्ट में सुनना, जब भी इस एक्ट में एक वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? एग्जाम सप्लाई. तो उसमें यहाँ पे एग्जाम सप्लाई में नील रेट भी कवर होगा, वोल्ली एग्जाम भी कवर होगा, और तीसरा क्या कवर होगा बेटा? नॉन टैक्सेबल कवर होगा. नॉन टैक्सेबल भी कवर होगा, वन टू और थ्री. लेकिन सर अब एक आपका सवाल हो सकता है, सर लेकिन एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल में फर्क है. एग्जाम सप्लाई इज टैक्सेबल. अरे है ना, बट एग्जम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन. और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी नहीं है. दोनों में फर्क, हाँ मैं मानता हूँ बेसिक डेफिनेशन में फर्क है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन तीनों की ग्रुपिंग, आई रिपीट द वर्ड, इन तीनों की ग्रुपिंग एक ही वर्ड में कर दी. कौन से वर्ड में कर दी? एग्जाम सप्लाई. बट बेसिकली तीनों में डिफरेंस है. ये समझ में आया क्या? तीनों में डिफरेंस है, मतलब नील अलग, वोली एग्जाम अलग एंड नॉन टैक्सेबल. बट फॉर जीएसटी पर्पज तीनों की ग्रुपिंग उन्होंने एक ही वर्ड में कर दी. और कौन से वर्ड में कर दी? एग्जाम सप्लाई. आई होप यू अंडरस्टूड. उसके बाद में
उसके बाद में जीरो रेट सप्लाई। अच्छा जीरो रेट सप्लाई मतलब नील या एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। तो आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो हाईलाइट करो, एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो रेट कहा जाता है। और ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ याद रख लेना कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू ऑथराइज ऑपरेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक क्या डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कभी नाम सुना है SEZ? अगर आप कोई सप्लाई गुड्स या सर्विस का SEZ को करते हो, किसको करते हो? SEZ को करते हो, तो वो भी जीरो रेट माना जाएगा। तो जीरो रेट में दो आते हैं, बताओ कौन से दो आते हैं, एक्सपोर्ट एंड SEZ। SEZ को सप्लाई जीरो रेट माना जाएगा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ओके सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन मैं चैप्टर के साथ साथ लूंगा, डन। तो अब आ जाओ यहां पे सेक्शन 7। और सेक्शन 7 क्या बेटा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, जो हमारा बेसिक इवेंट है फॉर लेवी ऑफ GST। तो दोस्तों हमने यहां पे अगर आपको याद होगा तो चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9, करंट कब लगता है, लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। चार्ट याद आ रहा है आपको? ओके, लेवी में तीन पार्ट, कौन से तीन पार्ट लेवी में? ओके, चार्ज, वैल्यू एंड रेट। अरे याद आया क्या? अच्छा चार्ज में बताओ आपको करंट कब लगता है, जब इंट्रा, क्या इंट्रा या क्या इंटर स्टेट क्या होगा बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अब हम तीन वर्ड्स बहुत डिटेल में देखेंगे। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, करंट कब 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 लगता है, आ जाए ना। ओके, सप्लाई यानी क्या, फिर व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स अंडर GST एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस। तो यहां से जन्म होता है अब सप्लाई ये चार्ट का, कौन सा चार्ट बनने वाला है, सप्लाई, ठीक है। तो चलिए ओके, तो यहाँ पे आते हैं सप्लाई, क्या बोलते हैं वो, मेरे साथ सिर्फ अंडरलाइन करना, कुछ समझेगा नहीं आपको, पर अंडरलाइन किया हुआ वो लाइन तो समझेगी। देन स्टार्ट किया उन्होंने सेक्शन 7 में, और सेक्शन 7 कहता है ओके, सप्लाई शैल इंक्लूड्स, आई रिपीट, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या आएगा, मतलब कब 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 आपको करंट लगेगा। ये करंट एक बार का करंट नहीं है, क्लॉज ए में सप्लाई, क्लॉज ए में सप्लाई, क्लॉज बी में सप्लाई, क्लॉज सी में सप्लाई, अरे आया ना। और ये इतना सारा कवर किया है, और स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया है, सप्लाई मींस नहीं बोला, इंक्लूड्स बोला, पता है डिफरेंस क्या है, अगर इंक्लूड बोला तो क्या ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या ओपन एंडेड चल रही है, ओपन एंडेड चलेगी। ओके, सच बताओ ना तो गवर्नमेंट कहती है कोई भी रीजन से आपने कमाया हमको भी चाहिए, आपने कमाया हमको भी चाहिए, इसलिए ओपन रखा है डेफिनेशन। ओके, तो सप्लाई, अच्छा स्टार्ट देखो कैसा है, सप्लाई क्लॉज ए, डरना मत, हर वर्ड्स पे केस स्टडीज आएगी। ए, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी फॉर्म में गुड्स दो, किसी भी फॉर्म में सर्विसेज दो, आपको मिला हमको भी चाहिए। समझ में आया क्या, स्टार्ट ही वर्ड है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सच एज। अच्छा सच एज का मतलब ये एग्जॉस्टिव है या जस्ट एग्जाम्पल है, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये जस्ट एग्जाम्पल है, हमने तो पहले वर्ड में क्लियर कर दिया। ओके, तो बिल्कुल ये सप्लाई क्लॉज ए SR के स्टाइल चलता है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, तो जहां तक देखा जाए तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, मेड और क्या बेटा, अग्रीड टू बी मेड। ये कंसिडरेशन को ऐसा बादल करना, फॉर अ क्या, कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस, ठीक है, ठीक है। ये तो क्लॉज ए था, क्लॉज ए द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन
बाय अ पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल, बाय अ पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल क्या कंसिडरेशन। सर ये नहीं समझा कुछ भी, मैंने समझाया कहा? ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, देखेंगे। फिर क्लॉज बी में आएगा इंपोर्टेशन ऑफ क्या सर्विसेस। एक मिनट, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, पर गवर्न बाय जीएसटी एक्ट या कस्टम्स एक्ट? बट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज गवर्न बाय जीएसटी एक्ट। नहीं समझा, एक बार इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, बट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज इज अ सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर क्या कंसिडरेशन, इसको हाईलाइट करो। ओके, हाईलाइट करो कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस। ओके ठीक है, और लास्ट में सी, कभी आपने ये लिखा हुआ याद आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सब क्लॉज सी, अरे कुछ लिखा हुआ कभी याद आता है सेक्शन 7(1)(c) आ रहा है याद? हाँ, अब वो देखो क्या है, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1, कुछ एक्टिविटी हम शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई करेंगे, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट क्या कंसिडरेशन। कुछ ऐसे एक्टिविटी जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 शेड्यूल 1 कुछ आया क्या? शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी आने वाली है, क्योंकि मतलब जीएसटी देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे बस ये यहां सेक्शन 7(1) खत्म होता है। 1A जो कहता है, देखो 1A वो कहता है वे सर्टन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 दे शैल बी ट्रीटेड आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये क्लासीफाई करता है, ये क्लासीफाई करता है SOG एंड SOS में, ये क्लासीफाई करता है। ठीक है, और अब 7(2) जो क्या कहता है, देखो नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो घंटा मुझे फर्क पड़ता है, अरे है ना, अब जो मैं बोलूंगा वही होगा। अब वो क्या कहते, देखो एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल क्या 3, हाईलाइट करना शेड्यूल 3, और सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, हाईलाइट द पब्लिक अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services। मतलब कुछ ऐसी activities जो हम schedule 3 में बताएंगे या government की कुछ notified activities, इसे कभी भी supply नहीं बोला जाएगा। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं chart बनाऊं तो मेरे दिमाग में chart कैसे बनेगा? भाई साहब ये ऐसे words में मुझे नहीं जमता है, मैं चार्ट में देखूंगा फर्स्ट क्लास, अरे आया ना, तो भाई मैं दिमाग में क्या, तो मेरे सामने आ रहा है कि भाई 7(1) कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, तो 7(2) कहता है नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब पहले दो चीजें बन गई, सप्लाई में क्या आएगा सप्लाई में क्या नहीं आएगा, 7(1) 7(2, अरे आया ना। अब अगर मैं 7(1) में आता हूं तो 7(1) में क्लॉज ए, क्लॉज ए और क्लॉज बी तीनों में एक वर्ड कॉमन दिख रहा है क्या, कंसिडरेशन, अरे है ना, कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन, पर क्लॉज सी में दिख रहा है क्या विदाउट कंसिडरेशन। तो फिर पहला पार्ट जो 7(1) रहेगा उसमें दो मेन पार्ट आएंगे, विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, अरे आया ना, और फिर आगे आगे देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ पेजेस ब्लैंक दिख रहे हैं क्या? अरे क्या ये गलती से रह गए क्या? ये 3 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, समझ में आया क्या? आगे आगे पूरा चैप्टर खत्म।
तो आपको अब वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल लेना है, यहां से स्टार्ट करना है, ऐसा स्मॉल हैंडराइटिंग में धीरे धीरे नीचे जाना है, अरे है ना, ज्यादा खेलना नहीं है। और फिर और अगर जगह लगी तो नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ना है। अरे यस और नो? तो चलिए, तो अब मेरे साथ आप चार्ट निकालो फटाफट। ओके, यहाँ पे सब चीजों को अरेंज करते हैं पहले, फिर सीखते हैं, फिर केस स्टडी देखेंगे, फिर प्रॉब्लम देखेंगे, फिर क्वेश्चन एयर देखेंगे। थोड़ा ये समझ लो, चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ये चार्ट चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और ये फिर यहां खत्म होगा। अरे है ना, बैठ जाए, बैठ जाए। मेरा पिछले 2017 तक जब जब से जीएसटी आया तब से एक्सपीरियंस है बैच में, तीन पेजेस में बैठ जाएगा, ठीक है। बट इतना है कि खेलना मत ज्यादा, स्मॉल हैंड राइटिंग। तो अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, 7-1 and 7-2। 7-2 को ज्यादा जगह नहीं लगेगी, वो सीधा जितना टाइटल है थोड़ा बहुत और जगह छोड़ के जो है आप नीचे 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 लिखते जाओगे, कौन कौन सा 7-2। उसके बाद में 7-1 में दो पार्ट आएंगे, विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। ये विथ कंसिडरेशन में ज्यादा जगह लगेगी, विदाउट कंसिडरेशन में शेड्यूल वन आप पैरा वन पैरा टू पैरा थ्री लिखते जाओगे, वो कवर हो जाएगी उसके अंदर। और फिर विथ कंसिडरेशन में 7-1A, 7-1AA and 7-1B आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक जनरल मैंने बता दिया। अगर किसी का चार्ट थोड़ा बहुत गलत हो गया या पूरा नहीं हुआ तो फिर से एक बार बना लेना अभी मेरे साथ। ओके, मेरे साथ, और आपको चार्ट बुक तो आएगी, उसमें सेम मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, बातें किसने बोला क्लास के अंदर? हाँ, क्लास के बाद ना, चलो आ जाओ। ये समझ लो तुम्हारा ये ऐसा हॉरिजेंटल पेज है, ये बोर्ड, ठीक है, इसके हिसाब से आपको चलना है। तो लिखो यहां पे सेक्शन 7, क्या बेटा क्या वर्ड आएगा सेक्शन 7? सप्लाई। सेक्शन 7 सप्लाई, इसमें अब आपको मेनली दो पार्ट करना है। पहला इधर ये पार्ट, इधर इधर ये पार्ट, इधर। ओके, एंडिंग एंडिंग में ले लेना। पहला सेक्शन 7-1 सप्लाई, चलो फटाफट मेरे साथ, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स, और इधर सेक्शन 7-2 सप्लाई एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड मतलब नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई एक्सक्लूड्स। जितना टाइटल दिया है बस उतनी जगह, एक रीजनेबल स्पेस, वहां पे स्केल लेना और डॉट डॉट लाइन क्रिएट कर देना, मतलब वो लिमिट हो गई उसकी, उसके अंदर ही आपको लिखना है सेक्शन 7-2। डन डना डन। ओके, तो ये हो गया और वो नीचे तक जाते जाएगा लिखते लिखते। उसके बाद में नेक्स्ट 7-1 मैं तो बाद में लिखूंगा आराम से, ना लायक लिख चुपचाप। हाँ,
ठीक है, सेक्शन 7(1) में दो पार्ट, क्या दो पार्ट आएंगे? सप्लाई विथ कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन एंड क्या बेटा यहां आएगा विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। जितना टाइटल लिखा है बस उससे थोड़ा सा बड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दो यहां पे, विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, विथ कंसिडरेशन में दो पार्ट करना, सेक्शन 7(1)(a) और यहां सेक्शन 7(1)(b), 7(1)(a) एंड 7(1)(b). सेवन वन बी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेस, बस जितना टाइटल लिखा उतना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, उतना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। 7(1)(a) में ज्यादा स्पेस रखना है, उतना रिस्ट्रिक्ट कर दो। और ये जो विदाउट कंसिडरेशन लिखा है उसके ऊपर लिख दो सेक्शन 7(1)(c), कुछ याद आया क्या? उसके ऊपर लिख दो सेक्शन 7(1)(c). चलो अब सेक्शन 7(1)(a) आप पेज नंबर 45 का टेक्स्ट के साथ भी मैच कर सकते हो कि किस तरह से हम चार्ट बना रहे हैं। 7(1)(a) ये 7(1)(a) क्या कहता है? ये कहता है ऑल फॉर्म्स, ये कलर पेन होगा तो उसमें लिखना क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और इसके नीचे आपके बनेंगे 4 पार्ट्स। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेस, उसके नीचे बनेंगे आपके 4 पार्ट्स। ठीक है, अब यहां पे पहला, अच्छा ये जो क्लॉज है वो कंटिन्यूअस है, मैंने ब्रेक किया है, मतलब अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पहला लिखो सच एज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज,
रेंटल और लास्ट में क्या डिस्पोजल, सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल एंड डिस्पोजल। मेड और अग्रीड टू बी मेड, मेड और अग्रीड टू बी मेड, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन एंड फोर्थ इन द कोर्स और फर्दरेंस। एक एक वर्ड पे आपका ध्यान आना चाहिए, एक एक वर्ड पे एक एक केस स्टडी आ गया। इन द कोर्स और फर्दरेंस, स्पेलिंग नहीं समझा तो बुक में जाके 7-1 देख लो, अरे है ना। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ क्या बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई साहब, अब ये मुझे पूरा पढ़ाने को कम से कम 7-8 लेक्चर्स लगेंगे ये पूरा चार्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप विथ ऑल केस स्टडी विथ आवर क्वेश्चनेयर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, तो यहां पे अब ध्यान से देखते जाओ। एक बार पूरा चार्ट बताओ, दिखा दिया, ठीक है। अब बाकी स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 7-1 पे, ठीक है। सेक्शन 7-1 क्या कहता है, ब्रॉड सेंस में समझ लेते हैं। वो कहता है कि इंडिया में किसी भी फॉर्म में आपने गुड्स दिया या कोई भी फॉर्म में आपने क्या सर्विसेज दिया, और वो ये चार ये जो है ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है, तो वो केस में क्या लगेगा बेटा, जीएसटी। ओके, वो केस में जीएसटी लगेगा। तो आपने सेल में दिया होगा, हायर परचेस में दिया होगा, लीज ट्रांजेक्शन में दिया होगा गुड्स को, आपने अगर ओके कोई अलग ट्रांजेक्शन में गुड्स दिया होगा ओके, तो नाउ सच एज सेल ट्रांसफर बार्टर फॉर्म में दिया, एक्सचेंज फॉर्म में दिया, लाइसेंस फॉर्म में दिया, लीज रेंटल डिस्पोजल और एनी फॉर्म में आपने सप्लाई किया है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, मेड और अग्रीड टू बी मेड। ये कंटिन्यूटी में है, मैंने सिर्फ वो वर्ड्स को ब्रेक किया है। मेड और अग्रीड टू बी मेड आपने किया, फॉर क्या बेटा, फॉर यहां पे कंसिडरेशन, यानी बेसिकली देखा जाए तो कंसिडरेशन होगा पहला थॉट, पहला थॉट, बाकी कुछ नहीं दिमाग में, कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी आएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। पर सर आपने बताया ना 7-1C, वो बाद में, वो बाद में, अभी तो यही थॉट डेवलप करो कि फ्री ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं आता है, नहीं आता है। समझ लो सर, किसी ने मेरे को अभी क्लास चलते हुए पूछा था कि सर यहां पे कोई AR1 है और आप उससे फीस ही नहीं ले रहे ओके, और उसको सर्विस दे रहे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या जीएसटी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा, फ्री ट्रांजेक्शंस पे जीएसटी नहीं आता। ये समझ में आया क्या? तो कंसिडरेशन होगा
तो ही जीएसटी गवर्नमेंट लगाएगी। गवर्नमेंट का फंडा बहुत क्लियर है, तुमको मिला तो हमको चाहिए, तुमको नहीं मिला हमको नहीं चाहिए, एक्सेप्ट 7(1)(c). अरे समझ में आया क्या? एक्सेप्ट 7(1)(c), तुमको नहीं मिला हमको भी नहीं चाहिए, किसी के उपकार नहीं चाहिए। अरे आया ना, तो कंसीडरेशन बेसिक फंडामेंटल है फॉर क्या? सप्लाई। ओके, तो ऐसे केस में, और नाउ नेक्स्ट यहां पे, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई तभी बोला जाएगा जो आपने ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं या किसी भी फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन किए हो, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किए हो तो जीएसटी आएगा। अरे आया ना, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किए हो तो ही जीएसटी आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और ये सब फुलफिल होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो उसके बाद में फॉर कंसिडरेशन हुआ है, और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है। समझ लो आप अपना पर्सनल मोबाइल बेच रहे हो। ओके, समझ लो आपके हॉस्टल में आपका फ्रेंड है। ओके, उसको मोबाइल खरीदना है, आपको मोबाइल बेचना है। यस, सेल इज देयर। अरे है ना, सेल इज देयर, कंसिडरेशन इज देयर, बट द लास्ट कंडीशन, व्हाट इज द लास्ट कंडीशन? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो नहीं है, वो नहीं है तो सप्लाई नहीं है। अरे सर बस सेल है ना, अरे समझ में आ गया, ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही सप्लाई है, अदरवाइज नॉट, क्यूमुलेटिव कंडीशंस है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ऐसे केस में वो बिजनेस होना चाहिए घर में। ओके, मम्मी ने घर की रद्दी बेच दी। ओके, नॉट इन द कोर्स ऑफ सेल तो है, कंसिडरेशन तो है, बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो सप्लायर है, आई रिपीट, बायर नहीं, जो क्या सप्लायर है, वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस करना चाहिए। आप मोबाइल शॉप में गए और अपना पर्सनल मोबाइल बेच दिया, तो आप मोबाइल शॉप में जाके अपना पर्सनल मोबाइल बेचा, तो बिजनेस रिसिपिएंट के एंगल से नहीं देखा जाएगा, बिजनेस सेलर के एंगल से देखा जाएगा। अरे समझा नहीं समझा? ओके, जिसको बेच रहे उसका क्या हमें लेना देना नहीं है, जो सेल कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, उसका बिजनेस होना जरूरी है। ये समझ में आया क्या? तो आपने पर्सनल कार बेची, आपने पर्सनल मोबाइल बेचा, आपने पर्सनल यहां पे फर्नीचर बेचा घर का, इवन दो बेचा होगा, इवन दो पैसा कमाया होगा, पर जीएसटी नहीं आएगा। एक अब सवाल आ सकता है, सर ओके व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मतलब यहां पे जो है, ओके उसकी एक स्पेशल डेफिनेशन दी है, आगे हम देखेंगे। अभी तो जस्ट एक कोई एक्टिविटी ट्रेड है, कॉमर्स है, ओके जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वो क्या बोला जाएगा? बिजनेस। पर इसकी डेफिनेशन आगे और क्लैरिटी में देखेंगे। अब वो आगे क्या कहते हैं, मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब आपने सप्लाई किया, मेड मतलब सिंपल हिंदी वर्ड किया। अरे है ना, आपने सप्लाई किया या सप्लाई करने का वादा किया। अरे ये समझा है नहीं समझा? सप्लाई करने का वादा किया, सर ये वादा किया नहीं समझा? ओके भाई साहब, यहां पे जीएसटी अग्रीड टू बी सप्लाइड में भी आता है। ओके, तो मेड और अग्रीड टू बी मेड, समझ लो मेरी बैच जो थी जीएसटी की, जीएसटी का मैं अपने सर्विस का सप्लाई करने वाला था इस मंथ में। अरे यस और नो? लेट्स अज्यूम कौन सा मंथ है, अक्टूबर। तो अक्टूबर में मैंने ओके, लेकिन आपने इसका पैसा मुझे कौन से मंथ में दे दिया, तो अगस्त में या जुलाई में। अरे आया ना, तो जब मुझे जीएसटी का फीस मिला इन द मंथ ऑफ क्या, जुलाई, तो मैंने सर्विस दे दी, मेड हुआ या अग्रीड टू बी मेड हुआ? एक कमन कमन कमन, मैंने सर्विस दे दी जुलाई में या अग्री किया कि दूंगा, मैं आऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा? अरे है ना, पर एडमिशन अभी लेना पड़ेगा, मतलब आपने मेरे को एडवांस दे दिया। कमन, आपने मेरे को एडवांस दे दिया, मैंने अग्री कर लिया सर सप्लाई फ्यूचर में गुड्स या सर्विस का। तो अब आपके सामने एक सवाल, मुझे ये बताओ कि 10,000 रुपीज मुझे आपसे जुलाई में मिले विथ जीएसटी, आपसे मुझे 10,000 कब मिले? जुलाई में मिले विथ जीएसटी। आपने पूरा जीएसटी गिन कर दिया। अरे है ना, पर मैंने सर्विस अक्टूबर में दिया, तो मैंने जीएसटी कौन से मंथ में पे करना चाहिए, जुलाई में पे करना चाहिए या अक्टूबर में पे करना चाहिए?
यानी गवर्नमेंट को कब देना चाहिए? गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब जिस दिन तुमने क्या किया, अग्री कर लिया, उसी मंथ में जीएसटी देना पड़ेगा सप्लाई। अरे सर पर समझे, मतलब उनको एडवांस मिला तो एडवांस पे जीएसटी, मतलब मैं जुलाई का जो जीएसटी आर वन फाइल करूंगा, कम ऑन, कौन से मंथ का जीएसटी आर वन, कौन से डेट को फाइल करूंगा जीएसटी आर वन, डेट भूल गए, डेट भूल गए, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैंने कब फाइल करूंगा, जुलाई का 11th मई को, क्या उसमें आपसे जो मुझे पैसा मिला वो बताऊंगा? हाँ, अरे है ना, हाँ। और फिर 20 तारीख को जब टैक्स दूंगा जीएसटी आर 3B में, तो क्या मुझे उस एडवांस पे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, ये समझ में आया क्या? तो या मेड और अग्रीड टू बी मेड, गवर्नमेंट एडवांस पे भी जीएसटी लगा रही है, तुमको मिला हमको भी चाहिए, इज इट क्लियर? ओके, नहीं आपके डाउट्स आ सकते बेटा, पर धीरे धीरे आप समझ रहे होगे, आपके डाउट्स मेरे एक्सप्लेनेशन में क्लियर होते जाएंगे। प्लीज एकदम इनिशियल स्टेज पे बम्बार्डिंग मत कर देना, सर ये बताओ वो बताओ, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, ये समझ में आया क्या? तो सब चीजें आगे क्लियर हो जाएगी, रुक जाओ थोड़ा। ओके, तो यहां पे ये हुआ, एक बार फिर से क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है या जस्ट एग्जाम्पल है? इसके अलावा भी कोई नाम होगा जिसमें कंसिडरेशन होगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, अरे समझाया क्या? तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। एक एग्जाम्पल केस स्टडी क्या हुआ था, एक पुरानी सोसाइटी थी यहीं अपने पेट एरिया में पुणे, पुरानी सोसाइटी थी, बस अब वो बिल्डिंग गिरने लायक थी, ठीक है। जो वो बिल्डिंग का ओनर था, वो ओनर बिल्डर के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट में गया। मैंने क्या किया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कि भाई उनका एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं लैंड मेरा, बिल्डिंग गिरा दो, अरे है ना, मैं आपको डेवलपमेंट के राइट्स देता हूँ, आई रिपीट, डेवलपमेंट के राइट्स देता हूँ, और आप मुझे कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कि मैं जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें 10 फ्लैट और 4 दुकानें रखूंगा। अरे ये सर ना, तो जो भी बिल्डिंग बनेगी 10 फ्लैट्स और 4 शॉप्स मेरी, बना बाकी बेचो। अब जो बंदे ने डेवलपमेंट राइट्स दिए, अब देखो एक चीज समझ लो यहां पे, या थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा सब चीजें, ओके, पर थोड़ा समझ लो, जीएसटी में जो भी पैसा, सॉरी, जो गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है वो सप्लायर, और उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलता है, रिसीव, उसमें पैसा मिलता है या कंसिडरेशन मिलता है। तो एक बात, अब थोड़ा मैं इसको अलग वे में प्रेजेंट करता हूं, जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर, आई रिपीट, जिसको पैसा मिलता है या कंसिडरेशन मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर, और जो पैसा देता है वो ऑलवेज रिसिपिएंट। ये एकदम फॉर्मूला याद रखना, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर, और जिसको जो पैसा देता है रिसिपिएंट, कंसिडरेशन देता है। तो मुझे बताओ, लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट्स दिए बिल्डर को कि आप डेवलप करो, कंसिडरेशन है मनी या फ्लैट? कंसिडरेशन इज देयर। अच्छा, इन्होंने ये बोला कि कंसिडरेशन ऑनली इन मनी होना चाहिए या जस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए? जस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, मनी या अदरवाइज। तो मुझे बताओ, हु इज सप्लायर इन दिस ट्रांजेक्शन? जो लैंड ओनर है वो सप्लायर है या जो बिल्डर है वो सप्लायर है? लैंड ओनर इज सप्लायर, और लैंड ओनर को क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। क्या मिल रहा है कंसिडरेशन? हाँ, फ्लैट। अरे यस और नो, बिल्डर सप्लायर नहीं है बेटा, बिल्डर तो फ्लैट दे रहा है। अरे यस और नो, या पैसा दे रहा है ये तो फिर सर ये लैंड ओनर ने सप्लाई क्या किया? सप्लाई किया डेवलपमेंट राइट्स। सो डेवलपमेंट राइट्स कहां लिखा है? ये तो सिर्फ सचाइज है। अरे यस और नो, ये तो सिर्फ क्या सच, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में किसी भी नाम से अगर आप गुड्स या दोगे या आप क्या दोगे, सर्विसेज दोगे, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा? यस,
ये समझ में आया क्या? TDR राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स, वॉट एवर इट में भी, नाम कुछ भी हो बेटा, ये तो सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, किसी भी फॉर्म में गुड्स और सर्विस दोगे, अगर किसी को ये केस स्टडी अभी भी नहीं समझ में आ गया तो रुक जाना, धीरे धीरे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये आपका बेसिक डिस्कशन था। अब दोस्तों लास्ट में डिस्कशन लेना चाहूंगा, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस, और फिर क्लास को एंड करेंगे। पर नेक्स्ट सेशन चाहे कुछ भी हो जाए मिस मत करना। ओके, मैं अभी बता दूं, हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, सुनो सुनो, पहले नेक्स्ट सेशन जो है हमारा कल मॉर्निंग में रहेगा। ओके, क्योंकि मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और मुझे मुंबई जाना है। ओके, तो यहाँ पे मॉर्निंग में रहेगा, मैं मॉर्निंग में क्लास लेके प्रोबेबली मुंबई जाऊँगा। ओके, सिर्फ कल का सेशन जो यूट्यूब पे भी रहेगा, अगर किसी का मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वो लिंक यूट्यूब पर रहेगी। और कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा। अरे यस और नो, और मेरे बाद शुभम सर का रहेगा, मेरा 7:30 to 11 तक चलेगा। ओके, हाँ हाँ, 7:30 to 11। ओके, तो और उसके बाद में कौन कंटिन्यू करेंगे? शुभम सर, जस्ट फॉर टुमारो, जस्ट फॉर टुमारो टाइमिंग रहेगा 7:30 to 11, यस और नो, या 8 to 11:15 रखना है? ओके, हाँ चलो 8 to 11:15, और बाद में मेरे ख्याल से शुभम सर का टेस्ट है ना कल। ओके, बाद में टेस्ट कंटिन्यू कर लेना। ओके, एट कल का टाइमिंग वापस नहीं पूछोगे, कल का टाइमिंग 8 to, ये ओनली फॉर टुमारो, ओनली फॉर टुमारो, ठीक है? और संडे को मेरा क्लास नहीं है, बेबी सर का है जो। ओके, मेरा क्लास नहीं है संडे को, ठीक है? तो चलो यहाँ पे मॉर्निंग 8 to 11:15, क्लियर? अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, अब आ जाओ थोड़ा आगे, पेज नंबर 49 पे। यस, पेज नंबर 49 पे ये टाइटल दिखे, बाय बाय नहीं बेटा। ओके, नारायण को पहले बता दिया, इसका मतलब बाय थोड़ी। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ गुड्स और डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा? सर्विसेज, ठीक है? तो आप मेरे को पूछ रहे सर व्हाट डू मीन बाय गुड्स अंडर जीएसटी। ओके, तो गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में क्या है? आई रिपीट, गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में क्या है? अब वो देखो क्या कह रहे हैं, मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कमन, क्या कह रहे हैं वो? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स किसे माना जाएगा? जो भी कुछ मूवेबल होगा और जिसमें प्रॉपर्टी मतलब वर्थ है, वो गुड्स माना जाएगा। अदर देन मनी एंड क्या? सिक्योरिटीज। कोई बता सकते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डेफिनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट? यस, करेक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिक्योरिटीज इंक्लूडेड है गुड्स में, यहां सिक्योरिटीज इंक्लूडेड नहीं, यहां एक्सक्लूड है, क्योंकि ये डेफिनेशन जीएसटी के हिसाब से। अरे समझ में आया क्या? तो यहां सिक्योरिटीज इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड है। तो मनी गुड्स नहीं माना जाएगा और सिक्योरिटीज गुड्स क्या नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट बेटा, बट इंक्लूड्स क्या बेटा? एक्शनेबल क्लेम्स। एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या था? एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड था, पर यहां पे इंक्लूड है, यहां पे इंक्लूड है। इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या? सप्लाई, मतलब ग्रोइंग क्रॉप खरीदा बेचा। ओके, वो भी गुड्स माना जाएगा। ये गुड्स की डेफिनेशन। ओके, और अब सर्विस की डेफिनेशन देखो क्या कहती है। आगे थोड़ा सर्विस की डेफिनेशन में आओ, मींस एनीथिंग अदर देन क्या? गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ओके, ये एनीथिंग को बादल करो। ओके, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म।
ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट, ये हाईलाइट करो, फॉर विच क्या बेटा, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज एंड एक्सप्लेनेशन. For removal of doubt, it is hereby clarified that expression service include facilitating or arranging the transaction in क्या securities. Sir, highlight के अलावा कुछ नहीं समझ में आया. Okay, तो आप page number 50 पे आते हो. Page number 50 पे जो बेटा वो एक बीच में blank space दिख रही है, ऐसा थोड़ी समझ में आता है. बनाएंगे chart, फिर मैं ये भी सिखाऊंगा लिखेंगे कैसे. अरे है ना, पर पहले बनाएंगे chart. ओके चलो आ जाओ चार्ट में. अब कहाँ बनाना है चार्ट सर? नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 50, वहाँ पे मिडल में स्पेस दिखेगी. ओके वहाँ बनाना है. अच्छा हुआ इंटर को ही पढ़ा था, फाउंडेशन को नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो चलो आप ऐसा लिखो सेक्शन. याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो और अच्छी बात. क्या डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा, एक एक मिनट समझ लो. पहले देखो कैसे ड्रॉ करना है गुड्स, और यहां पे पहले देख लो कैसे ड्रॉ करना है. सेक्शन 2102 सर्विसेस, गुड्स और सर्विसेस. बिल्कुल स्टेप पहले समझ लो, देख लो कैसे ड्रॉ करना है. ओके means goods means every kind of movable property. GST सिर्फ किस पे आता है? goods पे, मतलब movable पे आता है. और service means anything. ये एनीथिंग वर्ड कलर में चाहिए मेरे को. एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स. अगर दोनों डेफिनेशन देखोगे, और इधर आगे नीचे भी आएगा, ठीक है, अगर आप दोनों डेफिनेशन देखोगे तो बताओ दोनों में से क्या एक्सक्लूड होता है. देखो एक बार बताओ, अगर दोनों में से एक्सक्लूड होता है, अगर आप केयरफुली देखोगे तो क्या एक्सक्लूड होता है? मनी. मनी मनी जो है ना गुड्स माना जाएगा ना सर्विस, दोनों डेफिनेशन से एक्सक्लूड है. और दूसरा है बेटा क्या? सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज ये दोनों से एक्सक्लूड है. ओके गुड्स एंड सर्विस. चलो इतना ड्रॉ करो, फिर आगे का बताता हूं. सर पेन से या पेंसिल से ड्रॉ करें? बेटा एक काम कर, चैन से ड्रॉ कर. ओके पेन ले या पेंसिल ले, लेकिन चैन लेके ड्रॉ कर. तुम सवाल मेरे को क्या मजाक उड़ाने के लिए लिखते हो क्या नालायक? हाँ एक ये बुक है, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ. लास्ट बैच में मैंने ऐसे ही बुक में ड्रॉ करके दिया था, पर ये स्टूडेंट ने पूरे चार्ट्स एक अलग ही चार्ट बुक बनाई थी अपनी, अलग से ड्रॉ करके. अभी तो आपको ये ठीक है, और उसने एक बहुत अच्छा बुक बनाया था अपना चार्ट बुक, और बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में. तो मैं बोलूँगा कि अगर टाइम मिले आपको तो ये होमवर्क जरूर करो, एक अलग से सारे चार्ट्स का बुक आपका पर्सनल. ठीक है, पर ठीक है जो क्लास में होता है उतना ही कर लिया तो बहुत हो गया नालायक. चलो ठीक है, उतना ही कर लिया तो बहुत. तो यहां पे गुड्स यानी क्या?
गुड्स यहाँ पे कम ऑन गुड्स यानी क्या, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और सर्विस का मीनिंग देखो क्या है, कितना स्कोप जा रहा है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, फिर क्यों ना वो डेवलपमेंट राइट्स हो। गुड्स छोड़ के कोई भी एक्टिविटी होगी आपकी फॉर कंसिडरेशन, वो सर्विस माना जाएगा। अच्छा, एनीथिंग का मतलब मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी नाम हो, ओके, मे बी एक्टिव मे बी पैसिव। मतलब अब मैं जो कहने जाऊंगा शायद किसी स्टूडेंट्स को समझ जाएगा, किसी स्टूडेंट को समझने में थोड़ी मुश्किल जाएगी, डोंट वरी मैं कर लूंगा, ठीक है। अब सर्विस मीन्स एनीथिंग का स्कोप समझ लो। मुझे बताओ, एक फंडा मैंने आपको बताया था, एक मंत्र बताया था कि जिसको पैसा मिलता हाँ वो सप्लाई, और जो पैसा देता वो रिसिपियंट। क्या था, 7-8 साल पहले की बात है, प्रेस्टीज पॉइंट में नीचे जो है एक वाइन शॉप ओपन होने वाली थी। ओ कौन से फॉर्म में है, एनी फॉर्म में दूंगा, तू खींच के सुनो। तो यहाँ पे वाइन शॉप होने वाली थी और हम सब एकेडमीज वाले परेशान हो गए, यहाँ स्टूडेंट्स आते ओके यहाँ पे फाइनल के इंटर के इतने सारे, उनके सामने वाइन शॉप कैसी लगेगी, ओके इट्स नॉट गुड, ओके। तो यहाँ हमने जो वाइन शॉप ओपन करने वाला था उसके पास गए, उसको रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ मत डालो, आप कोई दूसरा प्लेस देखो। उसने कहा क्यों नहीं डालो, मेरे पास लाइसेंस है, ओके शॉप मैंने ली है, मैं यहाँ वाइन की शॉप डालूंगा। हमने कहा कि भाई ये एकेडमी है, ओके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो एक राइट इम्प्रेशन नहीं देता है, ओके वो माना ही नहीं। फिर हम सब गए तो हम यहाँ पे यहाँ का जो कॉरपोरेटर था उसके पास गए कि भाई समझाए इसको, ओके यहाँ कैसे वाइन की शॉप डाल सकता है, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं तो अब ऐसे केस में यहाँ कैसे डाल सकता है। हम गए तो गाने के बाद जो है वो कॉरपोरेटर ने कहा ठीक है समझाता हूँ, वो वाइन शॉप वालों को समझाया कि भाई मत डाल यहाँ पे, कोई दूसरा प्लेस देख। तो उसने कहा ठीक है मैं वाइन का शॉप नहीं डालूंगा, उसका 50 लाख लगेगा। ये समझ में आया क्या, उसका कितना 50 लाख लगेगा कि मैं यहाँ वाइन शॉप नहीं डालू। जैसे उसने 50 बोला, ओके 10 दिन तो कोई एकेडमी वाले मिले ही नहीं ओके यहाँ पे 50, फिर थोड़ा हमने कहा कि भाई उसको समझाओ, ओके तो वो एट लास्ट कुछ समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं कि वो 20 लाख पे माना कि भाई मैं नहीं। तो बताओ उसको, अब वो वाइन शॉप वाला, उसको पैसा मिला किस बात का पैसा मिला, कुछ ना करने का, ये भी सर्विस है। अरे आया ना सर्विस, ये भी क्या सर्विस है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। अरे सर वो उसने सर्विस क्या दी, कुछ ना करना। ना सर्विस मतलब क्या, एनीथिंग अदर देन गुड्स। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो इन सिंपल वर्ड में आपको ये बताना चाहूंगा, ओके गुड्स छोड़ के किसी भी बात का आपको पैसा मिला इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस, ओके तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये था बेटा, पर दोनों में क्या एक्सक्लूड हो गए, मनी एंड सिक्योरिटीज। अच्छा गुड्स में क्या स्पेशल इंक्लूड किया है बताओ, एक्शनेबल क्लेम। तो यह लिखो इंक्लूड, अरे मनी लेना थोड़ी है सर्विस है, मनी तो कंसिडरेशन है, ओके पवन मनी तो 50 लाख कंसिडरेशन है, 20 लाख कंसिडरेशन है, सर्विस क्या है, कुछ ना करना। समझ में आया क्या, ओके तो इंक्लूड, ओके इंक्लूड पहला क्या बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आएगा, एक्शनेबल क्लेम। एंड सेकंड ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ओके ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक्सेट्रा अटैच टू द लैंड वैंड, ठीक है इतना समझ गया आप, ठीक है ना। अब सर्विस में
सर्विस में लिखो इंक्लूड्स इंक्लूड्स सेपरेट कंसिडरेशन सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा के दे रहा हूं ज्यादा टेक्निकल वर्ड में नहीं जाना है ठीक है फॉर यूज ऑफ मनी एग्जाम्पल इंटरेस्ट दूसरा कन्वर्जन ऑफ मनी एग्जाम्पल कमीशन एंड थर्ड टू फैसिलिटेट और arranging the transaction in securities transaction in securities transaction in securities example questionnaire good hai questionnaire brokerage theek hai to chalo yahan pe okay ye wala part main kal aur samjhaunga aapko acche se नंबर ऑफ केस स्टडीज लूंगा ओके आज का सेशन यहाँ रुकते पर रुक जाओ आपने अगर क्वेश्चनेयर की प्रिंट आउट निकाली होगी तो इसमें क्वेश्चनेयर में चैप्टर नंबर थोड़े अलग है क्वेश्चनेयर में सप्लाई चैप्टर जो है कौन सा चैप्टर नंबर 2 है ठीक है चैप्टर नंबर 2 है इसमें आपको Just a minute. एक DPQ लिख लो जो कल डिस्कस करूंगा ओके अच्छा एक मिनट DDP वाला एक क्वेश्चन है नहीं ठीक है कल से देता हूँ ओके एक तो रेगुलर मैट का दिया है ना मैंने क्वेश्चनर का नहीं कल देता हूँ ओके आज एंजॉय कर लो ठीक है तो कर लेता हूं हाँ तो कल का क्लास हमारा कब होगा मॉर्निंग 8 o'clock मॉर्निंग 8 o'clock तो टुमारो सेशन इज मेरे सारे सेशन ही इंपॉर्टेंट है ओके सारी बंधनों को छोड़ के आपको आना है सो बाय बोलो बच्चों ओके थैंक यू सो मच फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कल डिस्कस होगा सर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है मैं टर्न और 5 लाख तक है अरे यार तो स्क्रॉल ही हो रहा है थोड़ा रुक जाओ जिनके क्वेश्चन है 5 मिनट रुक जाओ बाय बेटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एक्शनेबल क्लेम कल डिस्क्राइब करूंगा
अकेली एक्शनेबल क्लेम कल डिस्क्राइब करूंगा। क्वेश्चनर का चैप्टर वन चैप्टर टू ही प्रिंट करना है, सप्लाई सप्लाई प्रिंट कर लेना है। ऑर्डर आईडी काल्पन होता 320109, नहीं आज बोलून बघ 320109। नहीं रुक जाओ, आज का डिस्कशन और कल समझ में आएगा बेटा क्रिश, कल समझ में आएगा। सेकंड मॉड्यूल यहां पे 23rd 24th तक रेडी हो जाएगा, पर अब वो तब तक तो हमारा पहला ही चैप्टर है, तो यहां पे अकॉर्डिंगली हम डिस्पैच करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपके वी स्मार्ट लॉगिन में मिलेगा। नहीं बुक लेट नहीं किया बेटा, मुझे अमेंडमेंट्स कवर करनी थी इसलिए। ओके, क्योंकि आपको 31st अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है। क्वेश्चन बुक बेटा फिजिकल कॉपी आपको डिस्पैच होगी क्वेश्चन बुक की। अभी तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में और आपके वी स्मार्ट लॉगिन में भी क्वेश्चन बुक डाली हुई है, उसके प्रिंट आउट निकालो। हाँ उन्नति हो जाएगा, आज हो जाएगा बेटा। वो ब्रांच को टीवी भेजा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, वर्ड है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कैन इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव एनी बिजनेस कैन रजिस्टर हिमसेल्फ अंडर जीएसटी? नहीं मनीष, नहीं कर सकता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपका बिजनेस है। आईटीसी शॉर्टेज नहीं होता है बेटा, एक्सपोर्ट के केस में आईटीसी मिल जाता है, आगे हम देखेंगे। बिजनेस के हर परचेस पे क्रेडिट मिलेगा क्या? यस, 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। रिवर्स चार्ज बाद में पड़ा होगा तरुष, अभी नहीं आया होगा। एक आपको फर्स्ट मॉड्यूल नहीं मिला, एक उनके 143627 कसक 143627। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आईटी से नहीं मिलेगा बेटा। आयुष लाइसेंस सर्विस है बेटा, किसी को लाइसेंस देना, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस देना, ये सर्विस है। टैरिफ मतलब जीएसटी रेट, जीएसटी रेट का लिस्ट, उसको कहते हैं टैरिफ। जब आप होटल में जाते हो तो आप कहते हो ना टैरिफ दो, टैरिफ दो मतलब लिस्ट बताओ क्या, कौन सा गुड्स कौन से प्राइस पे हो। पेटेंट पे जीएसटी आता है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रजिस्टर्ड है तो ड्यूटी भी माने जाएंगे। यस, जीएसटी समझ में आ रहा है बेटा जो ऑनलाइन स्टूडेंट है? ओके, थोड़ा जीएसटी में टाइम लगता है, पहला चैप्टर के बाद धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा। जिसको थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है डोंट वरी, आपको रियली मैं कहता हूं कि ग्रीप आते जाएगी आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है सीधा सीधा लाइक इनकम टैक्स, ये बहुत पैरामीटर पे है। थैंक यू सो मच। ठीक है क्लोज कर दो।